आज मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो मेरा सबसे पहला कोर्स था बेसिक का, वो कलकत्ता के थे डॉक्टर लखोटिया, जिनसे मैंने फर्स्ट कोर्स सीखा था। और उसके बाद मैं ऑनवर्ड सारे कोर्स करती रही हूँ, एक्यूप्रेशर में, सुजोग, और जितने भी इनके एडवांस कोर्स होते हैं, जिसमें मैं आप सबको एक एक करके सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। तो ये तो मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है, और काफी लोग इसमें मेरे को जानते भी हैं। तो हम लोग अब चलते हैं एक्यूप्रेशर की तरफ ही, कि एक्यूप्रेशर क्या क्या है और किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल टेस्टिमनी फर्स्ट, क्योंकि लोगों ओके को थोड़े से कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी भी काफी लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, हेलो, थोड़ा वेट कर रहे मैं हैं सबको ज्वाइन करने। जी स्टार्ट करते हैं। मैं एक्यूप्रेशर एंड रेकी करती हूँ एंड मैं डॉक्टर सिंधु गुप्ता जी से ही सीखा है सारा। एंड एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो मैं लगाती हूँ, खुद यूज करती हूँ या मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेनली मैंने जो देखा है अपने बड़े लोगों को, सीनियर सिटीजन में कॉन्स्टिपेशन, शुगर, बीपी, एनी टाइप ऑफ पेन, उनको तुरंत रिलीव, आराम मिल जाता है उस चीज़ में, और बहुत इफेक्टिव हैं ये चीज़ें। मैं खुद के लिए भी खुद अप्लाई करती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बच्चों पर भी ये चीज़ ट्राई करती हूँ। कभी बच्चों को आई पेन होता है स्टडीज़ की वजह से, या हेडेक हो जाती है, तो मैं मेडिसिन या कुछ और देने के बजाय यही प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं पॉइंट से ट्रीटमेंट दूँ, एंड देन मैं पॉइंट से ट्रीटमेंट देती हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इस चीज़ का। एंड कलर थेरेपी तो मुझे बहुत पर्टिकुलर आई थिंक ये थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। वॉइस चली गई। नेक्स्ट आगे कर दो। जी सिद्धू जी, आप बोलिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, इसमें हमारी एक स्टूडेंट है वर्षा चौधरी, इन्होंने मेरे से सिर्फ बेसिक का कोर्स ही सीखा था, तो मेरे ही गाइडेंस में वो पूछ पूछ के अपनी मम्मी के, इनके लॉकडाउन के दौरान आँख पे ये गांठ सी बन गई थी, तो हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उसको बताया जो भी कुछ लगाने के लिए। तो देखिए, जो पहले ये थी आँख पे जो बॉइल था, इतना बड़ा नहीं बताते बाद में। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और इस ट्रीटमेंट के बाद उनका ये देखिए बिल्कुल, ये उसने मेरे को खुद पिक्चर भेजी है कि पहले उनकी आंख कैसी थी एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इनकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। और ये वर्षा चौधरी बिहार की रहने वाली हैं, ये मिसेज निर्मल चौधरी हैं जिनका उसने उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। तो ये देखिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं और सब लोग आई थिंक इसमें ज्वाइन भी किए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि सब एक्सपीरियंस करें, इसको सीखें और बेसिक कोर्स से स्टार्ट करें, एकदम बहुत सारा सीखने की कोशिश ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि मैं भी इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चली हूँ हर कोर्स के। पहले बेसिक सीखा, फिर और जैसा एडवांस होता है तो एक एक जैसे पहली दूसरी क्लास होता है तो उसी हिसाब से चली हूँ मैं। एक दूसरा एक्सपीरियंस भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं, नो वॉइस। देखिए अभी क्लियर है नहीं। तो हाँ जी, ये इसके अंदर कुछ बेसिक एक्यूप्रेशर के टूल्स हैं,
जो हम एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं. और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सबसे पहले हमें बेसिक कोर्स होता है दैट इज रिफ्लेक्सोलॉजी ऑन हैंड्स एंड फीट. भी मेरे को कुछ कमेंट्स देखने को मिला है कि कुछ इंग्लिश में भी साथ में करें, तो हमारी जो मेजर है वो हिंदी भी समझते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में ही समझाने की. हमारे हाथ पे सारे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के ऑर्गन्स के हिसाब से. वी हैव ऑल पॉइंट्स ऑन अवर हैंड्स, ऑल अवर इंटरनल ऑर्गन्स, तो हम उनको खाली प्रेशर देके अपना इलाज कर सकते हैं. एंड एक्यूप्रेशर का मतलब ही है, एक्यू मीन्स सटीक एंड प्रेशर मीन्स प्रेस करना. तो वी व्हेन वी गिव अ पर्टिकुलर प्रेशर बाय लर्निंग एवरीथिंग हाउ टू प्रेस एंड हाउ मच टू प्रेस ऑन ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन, तो वी कैन ट्रीट ईच एंड एवरी डिजीज. ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियां ही इससे ठीक हो जाती है. हाँ, अगर हम शुरू से इनिशियल स्टेज से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और अगर हम रेगुलर करते रहते हैं, ऐसा आप ये नहीं होना चाहिए कि हम बीमार हैं हम तभी इसको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले. एक एज अ हेल्दी रहने के लिए यदि हम रेगुलर अपने पॉइंट्स प्रेशर करते रहते हैं तो हम अपने को आराम पहुंचा सकते हैं. तो वी हैव ऑल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑन अवर हैंड्स एंड फीट. ये हमारा आता है जो फर्स्ट लेवल का कोर्स होता है रिफ्लेक्सोलॉजी ऑन हैंड्स एंड फीट. तो वी ऑल हैव ऑल प्रेशर पॉइंट्स ऑल ऑर्गन्स ऑन अवर हैंड्स एंड फीट. जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है जो आपको समझ भी आ रहा होगा कि हमारा कौन सा पॉइंट ईयर का कहाँ पे है, आई कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे आता है, इस तरह से सारे ऑर्गन्स हैं. तो आप एक्यूप्रेशर सीख के इसको और कोरेस्पोंडेंस इज वेरी इजी. तो इसको एज अ हाँ मैं कहूंगी कि इतना इजी है कि कोई बच्चा भी सीख सकता है और किसी भी एज का सीख सकता है. तो एक एक अपनी जनरल नॉलेज रख के हम एक्यूट कंडीशंस में इसका लाभ उठा सकते हैं. और एक्यूट कंडीशंस हमारे क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो, अगर बेसिक ही सीख के हम कर रहे हैं तो हम उससे बहुत लाभ उठा सकते हैं. बेसिक के बाद हमारा नेक्स्ट आता है सुजोक थेरेपी. जो इसमें ये हमारे पैरों के सारे पॉइंट्स है जो हमारे पैरों के तलवों पे होते हैं. we have all points on feet now next comes after reflexology sujok therapy. sujok ek korean shabd hai. su mane hamara hota hai hand and jok mane hota hai feet. to haath aur pair pure hamare haath ke upar hum we can plot our all body organs on our hands. इवन सुजोग इतनी माइन्यूट थेरेपी है कि उसका हम एक सिंगल अपने एक सिंगल पोरुए के ऊपर भी वी कैन प्लॉट पॉइंट्स. और एक्यूप्रेशर से बेटर रिजल्ट हमारे सुजोग थेरेपी में मिलते हैं. सुजोग थेरेपी का चार्ट दिखाएंगे. हाँ, ये हमारे सुजोग थेरेपी के पॉइंट हैं जो हमारे थोड़े से बेसिक एक्यूप्रेशर से अलग होते हैं. So we have all points on our hands and even feet also. तो हम इनके हिसाब से ही अपने points पे pressure दे सकते हैं. Afterwards मैं थोड़ा सा बहुत simply आपको explain करूंगी कि हम पूरे शरीर को कैसे एक simple way में समझ सकते हैं कि हमारे हाथ पे कैसे सारे organs plot होते हैं. तो फिर next हमारा course होता है five elements का सुजोग के बाद. सुजोग में जो है हम इससे पहले का करेंगे. सुजोग में वी कैन ट्रीट अवर ऑल बॉडी ट्रीटमेंट ऑन सीड्स. तो ये जितने भी हमारे घर में सीड्स होते हैं, साबुत मूंग है, मटरा है, आपका राजमा है, काला चना है, मेथी दाना है एंड इवन गेहूं है, तो हम ऑर्गन के हिसाब से सीड डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन हमारे किस बॉडी पार्ट पे लगेगा. जैसे राजमा हम ज्यादातर किडनी पे लगाते हैं. किडनी से रिलेटेड यदि हमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो वी यूज राजमा. इसी तरह हार्ट से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट के कोरेस्पोंडेंस पॉइंट पे हम प्रेशर देने के लिए काला चना लगाते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट हम इन सीड्स से ही, यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक्यूप्रेशर का कोई इक्विपमेंट भी नहीं है और हम कहीं पे ऐसे फंस गए हैं, ये सारी चीजें हमारे पास घर में होती हैं. और अगर हमें थोड़ी सी भी बेसिक कि हमारे ऑर्गन्स कहाँ पे आते हैं नॉलेज है, तो हम इनको डॉक्टर स्टेप की मदद से इन सीड्स को
उस पार्ट पे लगाते हैं एंड देन वी कैन ट्रीट, एकदम से थोड़ा रिलीफ आ जाता है, और रेगुलर करते हैं तो आपको पूरा आराम मिल जाता है डिजीज में. नेक्स्ट ये भी हमारा इसका मिनी सिस्टम में ही आता है. नेक्स्ट तो हमारा कोर्स आता है, ये इंसेक्ट में ही आता है, सुजोग में ही आता है सारा. मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता रही हूँ कि एक्यूप्रेशर भी अब इतना एडवांस हो चुका है लाइक मेडिकल साइंस कि एक एक करके हम अगर कोर्सेज करते हैं और हर एक में कुछ ना कुछ एडवांस चीज बताई जाती है. बेसिक में कुछ है, फिर आपका सुजोग में कुछ है. अभी जैसे सिक्स की है, ये हमारा सिक्स की ट्रीटमेंट एलिमेंट्स के ऊपर होता है. जैसे हमारा पूरा शरीर पांच तत्वों से बना होता है, तो ये पांच तत्व यदि हमारे बॉडी में इम्बेलेंस हो जाते हैं तो उनके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं समझने के बाद. और हर जो हमारा एलिमेंट है हमारे किसी बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड होता है. जैसे अगर हम कहेंगे वुड, विंड एनर्जी हमारे शरीर में लिवर और गॉल ब्लैडर कंट्रोल करती है फॉर एग्जांपल. तो इस तरह से जो पूरा ये सर्कल बनता है एनर्जी पे बेस होता है, और हर एनर्जी का अपना कलर होता है. जो इसमें थोड़ा बहुत परिचित होंगे तो वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, कोरिलेट कर भी पा रहे होंगे, और जो बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा. बट हाँ, ये इसके अंदर आप कलर थेरेपी, आप इसके अंदर हम मैग्नेट्स यूज करते हैं एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जो हम बाद में एक सारे इसके टूल्स बताएंगे जो हम एक्यूप्रेशर में यूज कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट में. तो बेसिक में जो हम करते हैं वो मैंने अलग आपको सारी पिक्चराइज करके आपको पिक्चर्स दिखाएंगे हम. और हम इसके अंदर एडवांस कोर्स में मैग्नेट्स यूज करते हैं, प्योर मैग्नेट्स यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, क्लस्टर मैग्नेट्स यूज करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए और सबको ठीक करने के लिए. ये देखिए, ये ब्योल मैग्नेट्स हैं इसके अंदर, और बार मैग्नेट्स भी हैं. एनर्जी समझ के हम, क्योंकि हमारा ये एडवांस कोर्स है, ये हमारे बॉडी में जो 14 मेरिडियंस होते हैं वो उन 14 मेरिडियंस जो का जो एनर्जी साइकिल बॉडी में होता है उनको करता है. तो वी बैलेंस द एनर्जी अकॉर्डिंग टू मीन. और जो होता है ट्रीटमेंट भी होता है मैग्नेट्स में ही, क्योंकि हर एनर्जी किसी ना किसी हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करती है. तो कोई भी यदि हमारी बॉडी में इमोशन इम्बैलेंस होता है, एंगर है, सैडनेस है, एवरी एनर्जी रिप्रेजेंट्स सम योर इमोशन. तो जब कोई भी आपकी एनर्जी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है तो वो पूरी, इसके अंदर भी सेम अगेन हम पूरी पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके इमोशन समझते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है. इवन हम लोग भी यदि ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उनकी चीज हमारी पुरानी है तो है. तो सिंपली हम पे नहीं डालते हैं, हम पेशेंट की एनर्जी समझने के बाद फिर उनको धीरे धीरे सिखा देते हैं कि अब आप ये रेगुलरली इन मैग्नेट्स को लगाइए. फिर अगर आपको आराम आता है तो पीरियोडिकली आप हमसे कांटेक्ट करते रहिए और अपना जो भी ट्रीटमेंट है आप करते रहिए. और इसके अंदर हम काफी अच्छे इसमें रिजल्ट भी होते हैं, और इवन क्रोनिक डिजीजेस में काफी फायदा होता है इसमें. और देखिए क्या है कि जो ये जितनी भी पद्धतियां हैं इतनी हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है. अब तो फिर भी लोग बहुत ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को समझते भी हैं, करते भी हैं, फॉलो भी करते हैं. तो अगर शुरू से ये चीजें करी जाएंगी तो हमारी बीमारी भयंकर रूप नहीं लेती है और बढ़ भी चुकी होती है तो उसमें आराम आता है. और क्या होता है कि हम लोगों के पास ज्यादातर केसेस वो आते हैं जिसमें मेडिकल साइंस से उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उस केस में बहुत लंबा समय लग जाता है ट्रीटमेंट को देने में और उनको ठीक करने में. बट हाँ, पेशेंटली जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं उनको जरूर आराम आता है. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल थेरेपी, एवरीवन शुड लर्न एंड फॉलो इट. एंड क्योंकि एवरी स्टेप में अगर आप बेसिक है तो बेसिक बहुत ईजी है, फिर जैसे जैसे आप एनर्जीज में आते हैं तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल एज एंड पूरे हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि आपको किस तरह से मैग्नेट्स लगाने हैं और कब कौन सा मैग्नेट लगाना है. तो ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं. नेक्स्ट है हमारा जो
और एडवांस इसके अंदर जो तरक्की हुई वो थे प्रोफेसर वॉल, उन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्यूपंचर को इंट्रोड्यूस किया हमें। तो इसके अंदर एक्यूपंचर, कुछ लोग तो इसमें नीडल्स यूज करते हैं, मैं इसके अंदर नीडल्स नहीं यूज करती हूँ, मैं तो प्रेशर पॉइंट ही देती हूँ। तो उन्होंने जो उनके जितने भी पॉइंट्स थे वो जॉइंट्स के ऊपर पॉइंट थे, एंड जॉइंट्स के ऊपर पॉइंट बहुत वंडर्स करते हैं और बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, असर आता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी जड़ पे जाता है। और इसके अंदर हम बहुत मिनिमम पॉइंट्स देते हैं, बहुत मिनिमम पॉइंट्स पे ही हम पेशेंट को आराम दे सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक जो होता है, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर सब मेरिडियंस होते हैं, इसके अंदर जो हमारे शरीर में, बॉडी में, हड्डियों में डिजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके भी मेरिडियंस होते हैं, और एलर्जी का भी डिफरेंट अलग मेरिडियंस होता है, उनके सबके सी एम पी पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो उन सबको हम फिर वही डायग्नोज तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ को डायग्नोज के बाद ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। आपका किसी का बहुत फैट बढ़ा हुआ है तो फैट डिजनरेशन का भी इसके अंदर मेरिडियन जाता है, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। सी एम पी पॉइंट्स होते हैं इसी तरीके से सारे मेरिडियंस के, लीवर के, गॉल ब्लैडर के, आपके हार्ट के, तो उनके ऊपर ही उसी हिसाब से ट्रीटमेंट्स समझ के दिया जाता है। दिस ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव। यही आपके सारे इसके पॉइंट्स ही हैं, ये सारे हमारे मेरिडियंस के, जो बहुत ही सिर्फ हमारी उंगलियों पर ही हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट हम सिर्फ इन मेरिडियंस पे ही देते हैं। तो हर ट्रीटमेंट जितना आप एडवांस जाते हैं उतने ही आपके मैग्नेट्स कम हो जाते हैं। प्रोटोकॉल्स अगर हम समझ के लगाते हैं तो उतना ही हमारा मैग्नेट्स कम हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इवन इसके अंदर हमारे एक्यूप्रेशर में इलाहाबाद की एक संस्था है जो एक्यूप्रेशर के सारे कोर्सेज ए टू जेड कराते हैं। ये तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि मैंने सबसे ही किया है, इलाहाबाद से भी किया है, प्रोफेसर वॉल से भी किया है, और सबसे ही किया है जितने मास्टर्स है, तो सबसे अलग अलग कोर्सेज किए हुए हैं। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इलाहाबाद वालों ने बहुत अच्छी तरीके से कराया है। इसके अंदर हमारा 10 एनर्जीज के ऊपर काम होता है, जिसके अंदर हम मन भी आता है, आत्मा भी आती है, और दिशा भी आती है। तो हर हमारी शरीर की जो फिंगर है वो हमारे किसी ना किसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो वही हम एनर्जी को समझने के हिसाब से, और क्योंकि हर एनर्जी के, इसके अंदर हर एनर्जी के कलर डिफरेंट हो जाते हैं, जो हमने 6 में पढ़ा है वो इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उस हिसाब से हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। अगर हम आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम आयुर्वेदा में ही देंगे, और यदि हम 6 में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम 6 का ही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और इसके अंदर हर जॉइंट के ऊपर हमारा हर ऑर्गन होता है। तो अगर हमारी किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होगी, उस ऑर्गन को हम इसी के ऊपर, चाहे ब्योर मैग्नेट्स लगते हैं, चाहे प्रेशर पॉइंट होता है, चाहे मेथी दाना लगता है, उस हिसाब से हम जो भी ट्रीटमेंट हमारा डायग्नोस होता है उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और एक ऑरिकुलर थेरेपी आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। इसके अंदर सिर्फ कान के ऊपर हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं, हम कान के ऊपर सारे पॉइंट्स को समझ के खाली और कान के जो प्रेशर पॉइंट होता है उसका बहुत छोटे छोटे से इसके सीड्स होते हैं, उनको हम सिर्फ कान पे लगा के, इवन इसके अंदर हम कलर्स भी लगाते हैं, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये मैंने इसका पूरा कोर्स ऑरिकल थेरेपी का जगमोहन सर से किया है, और वो भी इसके अंदर एक्यूप्रेशर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी बहुत रहे हैं। और क्योंकि ये तो टेक्निक ही वंडरफुल है, देखिए, और हम तो चाहते हैं कि डिवोशन से हर लोग, सब लोग इसको सीखें और फायदा उठाएं, खुद भी फायदा उठाएं और अपने आसपास लोगों को भी फायदा दें। तो ये तो हुआ हमारा पूरा जितना भी एक तरीके से, और इसमें और भी आगे आगे कोर्सेज हैं, बट अभी हाल फिलहाल तो मैं इतना ही आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और अब हम ये बताते हैं आपको कि जो बेसिक एक्यूप्रेशर में हम यूज करते हैं एक्यूप्रेशर की प्लेट, और उस पर एक प्रॉपर तरीका होता है हमारा चलने का। एक्यूप्रेशर प्लेट्स देखिए सबके पास होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम खाली उस पर रख देते हैं, खाली पैर रख के खड़े हो जाते हैं,
लेकिन यदि हम इस पे लगातार कदम ताल बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा पैर ऊपर उठा के करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सेम वे हमारे एक्यूप्रेशर के कुछ टूल्स होते हैं, छोटी रिंग होती है आपके जिमी होती है जिससे हम प्रेशर पॉइंट लोकेट करते हैं, मसाजर होता है जो हम अपने स्टमक के ऊपर करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिससे हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करके आराम कर सकते हैं। ये हमारे जितने भी ओल्ड बुजुर्ग लोग होते हैं यदि हम उनको इस तरह से एक्यूप्रेशर के प्लेट पे चलने के लिए थोड़ा सा गाइड करें तो उनके जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज में ज़्यादातर हमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है, तो एक सिंपल सी एक छोटी सी रिंग आती है जो आपको इसमें नजर आएगी और ये प्लेट होती है, अगर वो अपना दिन में सुबह शाम दो बार इस पे चलेंगे तो डेफिनेटली दे विल फील मच बेटर। तो ये हमारा हो गया बेसिकली एक्यूप्रेशर के हमारे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि एक सिंपल अगर हमारा करस्पोंडेंस पॉइंट है, करस्पोंडेंस में जो हम मोटे तौर पे देखते हैं जो हमारा हम अंगूठे का इतना हिस्सा होता है इसको हम अपना फेस मानते हैं, तो इसके ऊपर आप ये सोच लीजिए कि मैं अगर अपना पूरा फेस बनाना चाहूंगी तो कहाँ पे मेरी आईज आएंगी, कहाँ पे हमारा हेड एरिया आएगा, कहाँ पे हमारा हेयर बाल आएंगे, नोज आएगी, लिप्स आएंगे, तो इतने एरिया में हम अपना पूरा फेस बना लेते हैं और उसी हिसाब से हम लोग लोकेट करके जो हमारे पास छोटे छोटे से इसके एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो अगर मेरे को आई पे प्रेशर करना है तो मैं अपना आई का करस्पोंडेंस का पॉइंट यहाँ पे देख के उसको प्रेशर करूंगी और रेगुलर जब प्रेशर करूंगी अगर मेरे को आंख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे आराम आएगा। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा गले का एरिया होता है, तो गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को थायराइड होता है अगर वो रेगुलर उसको प्रेशर करेंगे बिना कुछ बहुत आगे डीप नॉलेज लिए तो उनको उसमें आराम आएगा। सेम वे यहाँ पे जो हमारा होता है ये हमारा पूरा इतना एरिया हमारा लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टमक को रिप्रेजेंट करता है और इधर हमारा लिवर एरिया आता है और इधर हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और नीचे की तरफ हमारे सारे गायनिक से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। तो इस तरीके से यदि हम पूरे इस तरह की जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर हम रेगुलरली इसको प्रेशर दे रहे हैं तो आप अपने को आराम पहुंचा सकते हैं। जो हमारा इसका मोटिव भी चलता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में, तो जब हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स ही इसमें है तो ये दोनों हमारे हाथ हो जाते हैं और ये दोनों हमारे पैर हो जाते हैं। लेमैन की भाषा में अगर हमारे को कहीं पे भी दर्द है, हाथों में दर्द है, तो हम इन उंगलियों को खाली बैठ के अगर ऐसे भी प्रेशर कर रहे हैं
तो आराम आएगा, और पैरों में दर्द है तो हम इन दोनों फिंगर्स को यदि करके प्रेशर करेंगे तो उसमें आराम आएगा। तो इसी पे मैंने एक अपनी पूरी एक वीडियो भी बनाई है खाली मसाज की। इसके अंदर हम लोग कोई भी हाथ में ऑयल लेके, जस्ट ऑयल लेके हम धीरे धीरे ऐसे प्रेशर करते हुए सारी उंगलियों पे लगा के इसको पूरे अच्छे तरीके से घुमाते हुए मसाज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सारे प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। इवन यहाँ पे भी अपना ऐसे दबाते हुए क्रीम से खूब अच्छे से ऑयल लेते हुए खूब अच्छे से यदि हम मसाज करते हैं तो हमारे को पूरे पॉइंट्स में शरीर में आराम आता है। अब पीछे की तरफ ये जो हमारे जितने भी चैनल्स हैं यहाँ से उंगलियों से ये जो जाते हैं, अगर आप इसको रेगुलरली यहाँ पे खूब अच्छे से दबा दबा के प्रेस करेंगे तो आपको कमर से रिलेटेड, बैक से जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसमें 100% आराम आएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको समझाना चाह रही थी कि आप क्रीम लेके अगर बहुत अच्छे से ऑयल लगा के मसाज करेंगे। मेरा जैसे होलिस्टिक हीलिंग कोर्स का यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके मैं कैसे आपको मसाज करना है, क्या एक्यूप्रेशर का पॉइंट लगाना है वो डालती हूँ, ताकि आप उसी के जरिए देख के लाभ उठा सकें। और मेरा मोटिव भी सब तक ये इन्फॉर्मेशन देना ही है कि छोटी छोटी आप चीजें करके अपनी बीमारियों में फायदा उठाएं। तो इस तरीके से आप लोग इसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग अपने आप को बारी बारी से अनम्यूट करके आप डॉक्टर सिंधु जी से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम के बारे में अगर अभी डिस्कस करना है, पूछना है तो मैं आपको इंस्टेंट ही थोड़ा सा गाइड करूंगी कि आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए थोड़ा सा और देखिए कि आपको आराम आता है कि नहीं। कुछ कलर थेरेपी के टिप्स भी मैंने आपको देनी है, वो मुझे याद है, नंबर्स भी याद। मैम माइग्रेन के लिए माइग्रेन आपको कहाँ पे, मतलब दोनों साइड में दर्द होता है? नहीं, माइग्रेन जब मेरे को होता है तो मेरे को आईज में पेन होता है। आई हैव मतलब बहुत ज्यादा आईज में और ये साइड में, हेड की साइड में, टेम्पल एरिया के साइड में दर्द होता है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों साइड में एंड आईज पे। पेट में आपको गैस भी बनती है? हाँ, हाँ जी। हाँ, तो देखिए बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम है वो गैस की है। ओके। तो आपको जो कोरेस्पोंडेंस एरिया पे आपको अपने स्टमक एरिया पे ट्रीटमेंट देना है एक्यूप्रेशर के, और हेड एरिया पे, जो हेड अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो यहाँ पे हेड एरिया पे आपको देना है। और अगर आपको चक्कर भी आते हैं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ कभी 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 वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग होती है तो मेनली आपको स्टमक एरिया पे और हेड एरिया पे और आईज पे ट्रीटमेंट देना है। आईज पे आप प्रेशर दीजिए, आईज का करस्पोंडेंस देख लेंगे। जैसे अगर आप फोटो देख लेंगे इसका करस्पोंडेंस पॉइंट्स का, आईज के करस्पोंडेंस पॉइंट पे आप काली मिर्च लगाइए। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट बता रही हूँ। और आप इस पे जो हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट होता है उसके ऊपर आप ब्राउन कलर दीजिए और स्टमक पे आप येलो कलर देख के देखिए। थैंक यू। प्रिया गोयल जी का है, शी इज आस्किंग अबाउट द हेयर फॉल। हेयर फॉल के लिए कुछ आप पॉइंट बताइए। ओके, देखिए हेयर फॉल जो हमारा हेड का हेयर फॉल होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है, तो उसमें आप किडनी पॉइंट पे राजमा लगाइए। प्लस जो हमारा हेयर फॉल होता है बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी के कारण से भी होता है, तो खाली उसमें एक्यूप्रेशर के साथ साथ आपको अपनी न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप न्यूट्रिशन में अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें। कोई मल्टीविटामिन लें या आप किडनी एरिया को और अपने जो आपके स्टमक के ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा सा आप एक्टिवेट कीजिए तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। वैसे तो देखिए पूरे, क्योंकि जो खाली एक सिंगल पॉइंट में आपकी पूरी बिना हिस्ट्री जाने हुए नहीं दे सकती हूँ एक, और जब तक क्या होता है कि कलर्स इसके अंदर बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि हाथ पकड़ के आपकी बॉडी की एक तस्वीर देखनी पड़ती है कि भी आपकी बॉडी किस तरह की है, कि अगर आपके हाथ गर्म रहते हैं, आपके हाथ ठंडे रहते हैं, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है क्या, क्योंकि यदि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है तो आपका 100% लिवर वीक होगा। लिवर वीक है तो उसके
जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो और मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो एक पूरी केस हिस्ट्री जाननी होती है। तो बेटर तो यही होता है कि अगर आप पूरी अपनी केस हिस्ट्री बता के हम लोगों से जो भी पॉइंट्स हैं वो ले तो वो बेटर है। खाली इस तरीके से एक वो मोटे तौर पे तो हम बता देते कि भाई जैसे बहुत उल्टी लग रही है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको गर्मी की वजह से दर्द है तो आप हेड एरिया पे ब्लैक कलर दे सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है तो उस हिसाब से, इस हिसाब से मोटे कलर से हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं उसके अंदर। हाँ जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रेनल स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए रेनल स्टोन हाँ, अगर वो है तो उसके अंदर आपको मैं गाइड करूंगी कि इसके अंदर हमारे एक्यूप्रेशर में हम लोग यूज करते हैं इसका मॉक्सा स्टिक का, ये चाइनीज हर्ब होती है। तो इसके ऊपर किडनी के ऊपर से लेके जो पूरा एरिया आता है, यहाँ से हमारा किडनी और सिस्टम होता है, यहाँ पे आप इसके ऊपर गरमाई देंगे। आपका अनम्यूट हो गया था, या, 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 या। मैम मेरा क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? जस्ट वन बाय वन वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, एक बार ये वाला आंसर करने दीजिए, देन उसके बाद वी विल रिप्लाई ऑल। हम लोग सारे क्वेश्चन रिप्लाई करके जाएंगे, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएंगे उससे। एक्यूप्रेशर में वी यूज जितने भी स्टोन्स होते हैं ये मॉक्सा स्टिक हम यूज करते हैं, या फिर हमारा जो येलो ब्योल मैग्नेट है वो यूज करते हैं। तो येलो ब्योल मैग्नेट्स आपको दिखना चाहिए ऊपर, वो पूरा मैं आपको बताऊंगी अगर आप लगाएंगे, बट बेटर मैं ये यही कहूंगी कि आप लोग कंसल्ट करके पूरा फोटोग्राफ लें प्रोटोकॉल का, अगर हम लोग, क्योंकि आजकल ये कोरोना की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं और सब लोग पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मिल सके, तो मॉक्सा स्टिक पूरी हीटिंग करने के लिए बोलते हैं और आपका ब्योल मैग्नेट लगाने के लिए बोलते हैं, येलो अप करके लगता है, वो फिर ब्लैडर में है या आपके किडनी में स्टोन है, वो स्टोन की पोजीशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि आपने क्या कलर देना है और कहाँ पे हमका आपका वो देना है। रुचिका जी का है, आई साइट नियर विजन शुगर है और इनिशियल स्टेज पर है, उनका आईसाइट का प्रॉब्लम। अगर आईसाइट का प्रॉब्लम है, उनकी आईसाइट बिकॉज ऑफ शुगर जा रही है, तो उनको पहले शुगर का ट्रीटमेंट देना है। शुगर में जो हमारा एक बहुत ही अच्छा वर्क करता है, यहाँ पे हम येलो कलर देते हैं इस जगह पे, इस जगह पे ब्रैकेट 37 प्लस 37 एंड ब्रैकेट, ये काफी अच्छा। और यहाँ पे फिर हम लोग मैग्नेट भी लगाते, तो मैग्नेट में पूरी हिस्ट्री जानने के बाद ही बताती हूँ, बट दिस इज वेरी सेफेस्ट जिन लोगों को शुगर हाई रहती है। प्लस 37 यदि वो येलो कलर से अपना यहाँ पे लिखते हैं, स्केच पेन ले सकते हैं, दोनों हाथों में लिखें, यहाँ पे प्लस 37, यहाँ पे भी प्लस 37, और उसके लिए फिर मैग्नेट्स बताए जाते हैं, यहाँ पे एक SP6 पॉइंट आता है, उसके हम येलो अप करके मैग्नेट लगवाते हैं, वो मेरिडियंस के चार्ट में समझ आएगा। तो वो पूरे प्रोटोकॉल्स में आपको समझा दूंगी कि मेरिडियंस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से कहाँ पे आपको क्या लगाना है। मोटे तौर पे शुगर में अगर जिन लोगों की इनिशियली ही शुगर स्टार्ट ही हुई है, अगर वो ये प्लस 37 लिखते हैं और अपना थोड़ा खाने पीने का परहेज करते हैं, जैसे सुबह उठ के मेथी दाने का पानी पीना और जो एक्सरसाइज का शेड्यूल बताते हैं, और शुगर में तो मैक्सिमम है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, साथ में मैग्नेट्स लें और अपना खान पान थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो आपकी जिनकी शुरुआती दौर की शुगर है उनको मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिनको देखिए जो इंसुलिन पे है वो धीरे धीरे मेडिसिन पे आ जाते हैं ट्रीटमेंट से, और जिनकी अभी ही शुरू हुई है उनकी गोली शुरू नहीं होती है, और जिनकी बहुत ज्यादा टेबलेट्स है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और हम कभी भी किसी चीज को ये नहीं बोलते कि हाँ 100% ठीक हो जाएगी कोई भी चीज, हर चीज पेशेंट की रिसेप्टिविटी पे, उसका बॉडी ऑर्गन कितना डैमेज हो चुका है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आज तक हम लोग कभी किसी पेशेंट की मेडिसिन नहीं छुड़वाते हैं, चाहे थायराइड हो, चाहे आपको शुगर हो, चाहे हाई बीपी हो, आप हमारा ट्रीटमेंट लीजिए साथ में, फिर डॉक्टर की सलाह से आप धीरे धीरे अपना मेडिकेशन कम करेंगे जैसा डॉक्टर आपको सलाह देगा। देखिए हम लोग सिर्फ थेरेपिस्ट हैं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, मेडिसिन आपकी कभी नहीं छुड़वाएंगे, और जितना आप नेचुरल होके
अपना सारी चीजें लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और अपने आप को खुश रखते हैं, देखिए सारी चीजों की जड़ एक ही है। जितना हम स्ट्रेस में रह के काम करते हैं और सारे दिन एक ही चीज को हम बार बार सोचते हैं जिससे हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। जो एक्यूप्रेशर है बेसिक आपके हार्मोन्स के ऊपर वर्क करता है कि आपका कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस है, सैडनेस का इम्बैलेंस है या आपका एंगर का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन आपका इफेक्टेड होके बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो खत्म होने वाला है। तो उसके ऊपर जब किया जाता है, इसलिए हम किसी को ये भी नहीं बोलते आप गुस्सा मत करो। देखिए समझाने से हर कोई जानता है कि गुस्सा करना गलत बात है, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एवरीबॉडी नोस। लेकिन यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं, हम आपका एनर्जी समझ के आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपका ऑटोमेटिक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपका उस ग्लैंड का सिक्रेशन होना चाहिए आपके बॉडी में, वो प्रोपोर्शन में होने लगेगा सिक्रेशन। तो जब वो सिक्रेशन होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको अपनी उस डिजीज में आराम आएगा ही। तो इसलिए इसको मैं हमेशा आपको यही बोलूंगी, आप प्रैक्टिकल कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, तब कोई बात कही। आज हमने जितने भी आपको अगर टेस्टिमनी भी दिखाई है तो वो सब लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। और मैं इस लाइन में आई थिंक 20 साल से तो मैं काम कर रही हूँ, और रिजल्ट्स जिसने पूरा लग के ट्रीटमेंट किया है तो उनके 100% रिजल्ट्स आए हैं, और जो बीच में ही छोड़ देते हैं, देखिए पेशेंस तो चाहिए, हर ट्रीटमेंट में पेशेंस चाहिए, तो जब तक आप पेशेंटली नहीं करेंगे तब तक आपको आराम नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जयश्री, जयश्री करने का वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए तो देखिए वेट लॉस के लिए आपको अपना स्प्लीन का लिवर का ट्रीटमेंट करना होगा। तो आप वेट लॉस में कलर, यहाँ पे आप ग्रीन कलर दे सकते हैं और एक फिंगर पे पॉइंट होता है, वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है। आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चंस है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, आप मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री जान के आपको प्रॉपर पूरा चार्ट बना के दूंगी। तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक इंस्टेंटली अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बता तो दूंगी, क्योंकि लेकिन मैंने आपकी हिस्ट्री नहीं जानी है, तो आपको कितना आराम आएगा और कितना नहीं आएगा वो कोई मैजिकल पॉइंट नहीं आई ये तो जितने लोगों ने किया हुआ है वो भी जानते हैं कि मैजिकल पॉइंट्स, ठीक है, कई बार बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट में ही हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर हिस्ट्री जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया आपका +37 यदि आप येलो कलर से लिखेंगे, जिन लोगों का हाई बीपी रहता है वो यहाँ पे अपने थंब पे +23 लिखते हैं ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से, और यहाँ पे ब्लू डॉट लगाते हैं पूरा, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। सेम उसी तरीके से जिनका आपका बीपी लो रहता है वो +18 लिखते हैं अपने यहाँ पे रेड कलर से, तो उनको लो बीपी में बहुत अच्छा फायदा होता है कि यहाँ से हमारा सीधा मेरिडियन जाता है, अगर वो उस पर रेड कलर लगाते हैं तो वो इमीडिएट आपको लो बीपी में फर्क करेगा। सेम वे अगर आपको किसी को आपको लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये जो हमारी लिटिल फिंगर है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, तो इस लिटिल फिंगर को आप जितना मसाज करोगे, और जिन लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये अपनी दोनों लिटिल फिंगर्स को रोज डेली अच्छे से मसाज करते हैं इस तरीके से, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और यदि आपको ये लगता है कि किसी को हार्ट अटैक आया है, आप उनकी ये उंगली बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दांत में अच्छी तरीके से दोनों उंगलियां खूब खींच के खूब अच्छे से प्रेशर करें, यहाँ पे दर्द हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप एक इमरजेंसी में डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच जाते हैं तब तक यू कीप ऑन डूइंग प्रेसिंग दीज थिंग्स। एंड यहाँ पे आप अपना जो होता है हमारा हार्ट एरिया होता है अपनी थंब के 4 फिंगर्स लेके ये पंपिंग करते हैं, तो हार्ट अटैक में बहुत फर्क पड़ता है। और अस्थमा में जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, अगर कभी ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो यहाँ पे इसी तरह से वही पंपिंग वाला दोनों हाथों पे करेंगे तो यू विल फील कि एकदम से सांस आने लगेगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे अच्छे तरीके से मसाज करेंगे तो बहुत आराम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई साइट के लिए, वीक आई साइट का क्वेश्चन है। वीक आई साइट का, वीक आई साइट कब से है, किसी की बच्चे की है या वही डायबिटीज की वजह से है वीक आई साइट? एक्चुअली यहाँ पे लिखा नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आंखें वीक हो गई हैं थोड़े टाइम से, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। एज कितनी है उसकी? एज है 38 और इसकी वजह से सिर में भी दर्द रहने लगा है। देखिए एज 38 है और आपको आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो आपका लीवर वीक हो रहा है, लीवर पे यहाँ पे आप करोस्पोंडेंस पे यहाँ पे ग्रीन कलर लगा के एक इसके अंदर जो हमारा क्लस्टर मैग्नेट होता है, आई जस्ट शो यू, इस तरीके क्लस्टर मैग्नेट्स होते हैं, यहाँ पे लिवर करस्पोंडेंस पे आप ग्रीन कलर दीजिए और इसे को ग्रीन करके ये क्लस्टर मैग्नेट इस तरीके से आप लोग डॉक्टर स्टेप आती है उसको यहाँ पे रेगुलरली आप रात को लगाइए थोड़ा सा प्रेशर देते हुए, और आई करस्पोंडेंस पे यहाँ पे आप काली मिर्च लगाइए, और अगर हम लोगों को देखिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम दोनों अंगूठों पे लगा लें, क्योंकि सुजोग का मतलब होता है हाथ और पैर, तो हम अपना ट्रीटमेंट चार गुना कर सकते हैं दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे हैं, अगर हम कलर ये कलर ट्रीटमेंट और ये मैग्नेट ट्रीटमेंट लगाते हैं तो हमको रिजल्ट्स और अच्छे बेहतर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता का फॉर फैटी लिवर। फैटी लिवर में भी कलर तो मैं उनको बताऊंगी उनकी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद, बट ये क्लस्टर मैग्नेट लिवर करस्पोंडेंस पे आराम से लगा सकते हैं, तो इसमें उनको फैटी लिवर में फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विमला नागपाल जी का, शी वांट्स टू नो अबाउट दैट रोलिंग इक्विपमेंट्स व्हिच यू मेंशन ना, जो हाथों के बीच में रोलिंग इक्विपमेंट्स है, तो उसको उसके उसका नाम जानना चाहते हैं। रोलिंग इक्विपमेंट्स, ओके, दिस वन मेरे ख्याल से जो आपने वो वुड वाला दिखाया था येलो कलर का, आई थिंक दैट येलो इंस्ट्रूमेंट, येलो जो हाथों के बीच में हम प्रेशर दे रहे थे ना, रोल रोल, दिस वन, हां इसी से सिमिलर वाला जो था ना एक राउंडिश, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं इसी में, यस मैम, दिस वन विद द रेड टॉप, इट इज ये ना, हां दिस इज, इसको हम करेला बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्यूप्रेशर में शेप्स आती हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक जैसे बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप इससे कर रहे हैं तो इसे यू कैन, व्हेन यू आर प्रेसिंग हेयर यू आर प्रेसिंग योर ऑल हेड एरिया, तो जिन भी लोगों को माइग्रेन से रिलेटेड हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो अपना सी, अगर आप इस पे, अगर अभी आप मेरे को एम्फेसिस कलर बताने पे ना करके इस पे सोचें कहेंगे तो वो मैं आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाऊंगी, कि अगर आपको सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप अपना इस तरह की कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके जस्ट प्रेस लिख दिस, तो ये आपका सारे आप अपने हेड एरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लिवर के लिए यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो यदि आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं रोल और फिर इस तरह से यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हैं, तो मीन्स यू आर एक्टिवेटिंग योर लिवर एरिया। आप अगर यहाँ पे जिसको भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल बिंदास होकर रोज अपना रेगुलर यहाँ पे अगर प्रेशर कर रहे हो, इस तरह से चला रहे हो इसको, तो आपको धीरे 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 आराम आने लगेगा। और देखिये एक्यूरेट ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट, जो भी थेरेपिस्ट हैं, उनसे अपने आसपास कंसल्ट करके या किसी से भी, क्योंकि अगर ऑनलाइन लेना है तो आजकल ऑनलाइन भी सब लोग सेम प्रोटोकॉल्स बनाते, क्योंकि जैसे मैं आजकल क्लासेस ले रही हूँ एक्यूप्रेशर बेसिक की, एडवांस की, वो मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ, और मेरा व्हाट्सअप कुछ ऑनलाइन हो मेरी उस पे होती है, जूम पे होती है, कुछ हम लोग इसके ऊपर व्हाट्सअप पे लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे लोग थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट मेरे साथ फील करते हैं, वो कहते हैं कि हम आप हमको लेसन्स भेज देती हैं एंड वो कभी भी अपने कन्वीनियंट टाइम पे उसको पढ़ लेते हैं, फिर उनकी क्वेरीज को मैं क्वेश्चंस भी कभी जूम पे ले लिया या कभी भी इकट्ठा कर लिया, उनके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करती, तो आई थिंक दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद मी दिस वे, अदरवाइज तो मैं आमने सामने में ही क्लास करती थी, हालांकि मेरे को ऑनलाइन करने में ऑडियोज और वीडियोज बनानी पड़ती हैं, बट ठीक है, एक पैशन है तो हम भी उसको करते हैं पैशन की तरह लेके ही, आप सब तक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस थेरेपी को आप लोग सीखें, आगे बढ़ें और
बड़े बड़े ऑपरेशन से बचें, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचें और रेकी भी सीखें, क्योंकि मेरे को लगता है रेकी हमारे को मेंटल लेवल पे बहुत रिलैक्स करती है और एक्यूप्रेशर हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से निकालता है. तो व्हेन वी ट्रीट बोथ, हम दोनों को कंबाइन करके ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. थैंक यू मैम. मैम व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? करेला. करेला. थैंक यू मैम. क्वेश्चन कनिका नेगी का है, साइटिका पेन रेफरिंग टू राइट लेग. ओके. जो शेटिका है, शेटिका जो होती है हमारी, ये हमारा ये पूरा एरिया हमारा शेटिका को रिप्रेजेंट करता है और ये पूरा एरिया हमारा स्पाइन को रिलेट करता है. तो यदि आपको मैं थोड़ा सा वही समझा देती हूँ कि अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो आप अपना प्रेशर यहाँ पे करेंगे. अगर आपके पास कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है. और शेटिका में भी हमें पहले यहाँ पे मसाज देनी है क्योंकि यहाँ से हमारी एक नस दबती है L4-5 से. यहाँ से जब आप उठते बैठते हैं तो यहाँ से जो दब का आपका नर्व का कंप्रेशन होता है यहाँ से इस पॉइंट से, तो इधर आप अपने अच्छे से प्रेशर करें. अगर अभी भी आप जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आप अपना हाथ लीजिए यहाँ पे इस गड्ढे में, अपना हाथ दे के धीरे धीरे प्रेस कीजिए जितना प्रेशर आप सहन कर सकती हैं. आप यहाँ पे प्रेस करके देखिए आपको पेन आ रहा है. आप अपने हाथ से प्रेस करके देखिए, यदि आपको प्रेस यहाँ दबाने से दर्द आ रहा है इस जगह, तो मींस यहाँ से आपकी नस दब रही है जिसके कारण आपके शेटिका में पेन आ रहा है. तो वो शेटिका का यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है. यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप ब्लैक कलर एक यहाँ से लेके इधर दोनों तरफ लाइन लगाएंगे और इधर दोनों तरफ लाइन लगाएंगे. स्केच पेन लेके आपको जो भी स्केच पेन मिलता है यहाँ से, इसके अंदर दो हम कलर्स यूज करते हैं पेशेंट की कंडीशन देखते हुए. एक तो ये ब्लैक कलर हम लोग यूज करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे फिर हम पूरा मेथी की स्ट्रिप लगाते हैं और इधर ये पूरा आपका शेटिका एरिया आता है. कई लोगों को जैसे ये तो बहुत एक्यूट कंडीशन है तो आप ब्लैक कलर पूरा करके यहाँ पे और यहाँ पे फिर आप पूरे पे मेथी की स्ट्रिप लगाएंगे. मेथी की स्ट्रिप देखिए इस तरीके से बनाई जाती है. चौड़ी टेप लेके आपने जैसे एक स्ट्रिप बना ली है, एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ऐसा बना के, और आप इस तरीके से यहाँ पे अपना पूरा स्ट्रिप लगा बंद रखे हो और ऊपर इस दोनों तरफ से इसको लपेट लेंगे. रात को आप दोनों साइड पे बांध के सो जाइए और यहाँ पे जो इस हिस्से पे है आप मटरा के दाने लगाएंगे. एक आप पूरे स्ट्रेच बनाएंगे इस तरीके से. क्योंकि आप क्वेश्चंस रह जाएंगे मैं शॉर्ट में ही करके दिखा रही हूँ. इस तरीके से आप पूरी एक मटरा के स्ट्रिप बनाएंगे और ये जिसको भी देखिए लोअर बैक में है तो ये यहाँ से स्ट्रिप लगेगी. आप होलिस्टिक हीलिंग कोर्स के पेज पे जाइए, उस पे मैंने आपको स्पाइन का सीड लगा के पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. वो मैं स्पाइन का ट्रीटमेंट उसके अंदर है, आप उसको देखिएगा आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ से ये लेके और यहाँ पे ये कलर करके आपने पूरा मेथी दाना लगाना है. तो ये आपको कुछ दिन लगातार लगाइए, रात को लगाइए सुबह निकाल दीजिए, आपको अपने शेटिका के पेन में बहुत आराम मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता जैन जी का, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज के ऊपर. कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप लगाएंगे एज क्या है, मेरे को पहले एज बताओ. ये बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, बड़े बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए. कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप लगाइए 1 यहाँ पे ब्लैक डॉट लगाइए,
एक यहाँ पे ब्लैक डॉट लगाइए और ब्रेन एरिया के ऊपर रेगुलर आप स्टिमुलेशन कीजिए, रेगुलर इसको प्रेशर पॉइंट दीजिए ब्रेन एरिया का, क्योंकि ब्रेन एरिया को यदि आप एक्टिवेट करेंगे तो उससे आपको, क्योंकि देखिए सारा जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन से प्रॉपर सारी जगह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको खत्म कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रेन एरिया के लिए और इसके ऊपर आप पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के ऊपर प्रेशर दीजिए। जो हमारी पिट्यूटरी और एक तो सबसे हमारा थंब के ऊपर पॉइंट होता है, ये जो बिल्कुल टिप पे यहाँ पे एक पॉइंट होता है यहाँ पे, ये तो मैं सभी के लिए राय दूंगी कि ये जो टिप का हमारा पॉइंट होता है ये हमारे कम से कम 100 डिजीज को कवर करता है। अगर आप रेगुलर बेस पे बिना कुछ जाने इस पॉइंट को प्रेशर देते रहते हैं अपने किसी भी चीज से, ये मैग्नेटिक है तो इसके अंदर जब हम प्रेशर देते हैं, मैं अपने ट्रीटमेंट में ये इसको बहुत यूज करती हूँ, ये मैग्नेटिक है। इसके अंदर आप देखिए कि ये इतना पावरफुल है कि किसी भी लोहे की चीज को ले लेता है। तो इस हिसाब से तभी मैंने बोला ना कि इसके अंदर हर ट्रीटमेंट अपनी एक मायने रखता है। आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए, यहाँ पे प्रेशर दीजिए, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर दीजिए तो वो आपके सारे जो ग्लैंड्स है पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स वो एक्टिवेट होंगी तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी जी। और देखिए सिंगल सिंगल पॉइंट विदाउट हिस्ट्री लेना मैं कभी आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी। आप मोटे तौर पे जरूर पूछ लीजिए, लगाइए उनको। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लोगों को सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। कॉन्स्टिपेशन में यदि आप यहाँ पे इस एरिए पे रेड कलर लगाते हैं और यहाँ पे येलो कलर लगाते हैं, ये एक जनरल ट्रीटमेंट है। देखिए जो जनरल ट्रीटमेंट, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बहुत उससे बताऊंगी क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप रेड कलर करें, यहाँ पे येलो कलर करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और प्लस क्या होता है, यहाँ से जैसे हमारी पूरी इंटेस्टाइन जाते हैं, आप जब भी मोशन के लिए जाते हैं यहाँ पे अगर रेगुलर अपना प्रेशर देते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर, तो जो आपका स्टूल है वो बहुत अच्छे से पास आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोमल गुप्ता जी का, पोस्ट डिलीवरी उनको वीकनेस है 2 मंथ्स, तो पोस्ट डिलीवरी वीकनेस के लिए। पोस्ट डिलीवरी वीकनेस है उसके लिए बहुत अच्छा कलर थेरेपी का है ट्रीटमेंट हमारा। ये हमारे यहाँ पे हमें 3 डॉट्स सर्कल लगाने होते हैं और ये तो एक बहुत जनरल ट्रीटमेंट है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम भी वीक है वो भी इसको आराम से लगा सकता है और जिसको वीकनेस है वो भी लगा सकता है। इसके अंदर आपको 3 डॉट्स लगाने हैं, ऐसे 3 सर्कल्स बनाने हैं। मेरा ही पूरा लगता है हाथ वो हो जाना आज। ये बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, यदि आपको वीकनेस है उसके लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। और वीकनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट क्या है, जो मैंने अभी आपको मटका का ट्रीटमेंट बताया था कि आपने मटरा लगाना है अपने स्पाइन पे, तो जैसे ये जो हमारे सारे ग्रूव्स है ना, आप जब भी खाली बैठे हैं तो इन ग्रूव्स के पे दीजिए ये ग्रूव्स, क्योंकि ये हमारे सारे चैनल है। तो जब आप खाली बैठे बैठे इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी कैसी भी वीकनेस होगी वो फर्क आपको आएगा। ये दिन में तो आप खाली बैठे बैठे इनको इस तरीके से अपना प्रेशर कीजिए, और रात के टाइम में जो मैंने आपको मटरा की स्ट्रिप बना के दिखाई थी, ये जैसे मेथी की स्ट्रिप है जो मैंने यहाँ पे स्पाइन के लिए आपको बना के दिखाई थी, उसी तरीके से आप मटरा की स्ट्रिप हर ग्रूव में लगानी यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हमारा ये पोर्शन होता है ना, इसकी आप अच्छे से मसाज कीजिए तो जो आपके इंस्टेंट जो आपको वीकनेस है उसमें आपको बहुत फर्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिता राय जी का, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू राइट प्लस 37। आप डे टाइम में लगा के रखिए और उसको शाम तक उतार दीजिए, क्योंकि कलर थेरेपी इज ऑलवेज इफेक्टिव इन डे टाइम। रात को आप सिर्फ सीड लगा के सो जाइए तो आपको फर्क पता ना चलना शुरू हो जाएगा। प्रतिभा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवर सिरोसिस के लिए। लिवर सिरोसिस एज कितनी है?
प्रतिभा जी एक बार एज बताइए आप अनम्यूट करके. आई थिंक 55-50 प्लस होंगे. ओके. अगर देखिए उनकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से उनको लिवर सिरोसिस हुआ है तो उनके एक जो एडिक्शन का पॉइंट है वो लगेगा, प्लस लिवर का पॉइंट उनका होगा और पूरी हिस्ट्री जान के उनको गोल्ड मैग्नेट पे डाला जाएगा. लिवर सिरोसिस, नो ड्रिंकिंग हैबिट मेन मुझे नहीं. या 58 नहीं तो लिवर सिरोसिस से बोलना है. वो बाय बर्थ से था, बाय बर्थ से था प्रॉब्लम व्हेन ही वाज बोर्न. हाँ, लीवर खराब था बचपन से व्हेन ही वाज बोर्न एंड नाउ ही हैज गॉट दिस कॉम्प्लिकेशन. आपका वीडियो म्यूट हो गया, आपका ऑडियो म्यूट हो गया. मेरा नहीं, सिर्फ हो गया. देखिए जिन लोगों के, जिन भी बच्चों का लीवर बाय बर्थ वीक होता है उसमें मैं यही कहूंगी कि मदर्स का न्यूट्रिशन में कमी रह जाती है तो बाय बर्थ बच्चों के बॉडी ऑर्गन्स वीक होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं यदि वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड खा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बाय बर्थ उन्होंने लीवर वीक लिया है तो उनको ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं. तो इसके अंदर एक्यूप्रेशर में बहुत एक्यूरेट पॉइंट्स हैं जो हमारी बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर हमारे को बाय बर्थ लीवर वीक है तो हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल बनाते हैं. वो सारे प्रोटोकॉल्स आपकी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद करते हैं. देखिए लीवर वीक एक दिन में नहीं हो जाता. आप ये भी मान के चलिए हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज आ रही है, आज अगर मेरी भी आई साइड अगर वीक हुई है तो एकदम से नहीं हुई है, धीरे धीरे मैंने उनकी केयर नहीं की तो मेरे को चश्मा लगाना पड़ गया क्योंकि मेरा लीवर इज डायरेक्टली आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद योर लीवर. एंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो रिलेटेड विद योर लीवर. तो वो आपको पूरा प्रोटोकॉल समझने के बाद ही ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं. आप अपनी क्लास करो. ठीक है, तो आप प्रतिभा जी मेरे से बाद में बात कर ली तो आप पूरी हिस्ट्री बताओगे, मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बना के बताऊंगा. ठीक है मैम. ठीक है, देखिए जो जितने भी क्रॉनिक डिजीज है सिंगल डिजीज नहीं होगा. आजकल मुझे पता है वीडियोस में जो हम लोग यूट्यूब पे भी बन रही हैं वीडियोस और एक जो हम एक कॉमन ट्रीटमेंट देते हैं बट क्रॉनिक डिजीजेस का वो इलाज नहीं है. अगर कोई ये कहता है कि क्रॉनिक डिजीज ठीक हो जाएगी तो मैं इस चीज को मैं तो नहीं मानूंगी कि क्रॉनिक डिजीज खाली एक सिंगल पॉइंट से हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर पूरी हिस्ट्री समझना पेशेंट की बहुत जरूरी है, उसका हाव भाव, उसका खान पान. जब तक हम पूरी चीज नहीं समझेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों पे. आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई है, वो ऑर्गन आपका डेफिशिएंट क्यों हुआ है, एनर्जी क्यों कम हो गई है. जो एनर्जी ट्रीटमेंट है वो समझना बहुत जरूरी है. तो जो लोग इस फील्ड को समझते हैं, देखिए मेडिसिन सर दर्द हुआ मैंने गोली खा ली मेरा दर्द आ जाएगा, कारण क्या है. अगर मेरे को रोज सर दर्द हो रहा है या रोज गोली खा रही हूँ, एक टाइम के बाद क्या होने वाला है, मेरी किडनी पे असर होने वाला है क्योंकि हमारे को जब भी हम पेट खाते हैं वो हमारी को. तो मैं जो इस सलाह भी दे रही हूँ इसलिए कि पेन किलर्स कम खाएं सो दैट जब हम उम्र से समाप्त नहीं हो जाए ना, खत्म नहीं हो जाए तो we have to take care of everything. तो ये चीज तो अगर आप मेरे मैं आप सबसे रूबरू होकर बात कर रही हूँ और आप लोगों से क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, सिखाती भी हूँ और बहुत चीजें अपनी भी ठीक की हैं, लोगों की भी ठीक की हैं. तो यदि हम शुरू से इस चीज को थोड़ी सी भी नॉलेज लेके अपना ऊपर अपना रहे हैं, नहीं हम बहुत एडवांस कोर्स में जाए. मैं आप लोगों को जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया ही कि मैं सिंपल हाउसवाइफ थी एंड जस्ट फॉर की रेखी क्या होती है वो सीखने के लिए फर्स्ट लेवल सीखा है. और आप देखिए वो सीखने के बाद आज की तारीख में मैंने सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज की, नेचुरल थेरेपी मैंने इसका आपका जो नेचुरोपैथी का डिप्लोमा कोर्स किया, सारे कोर्सेज किए वन बाय वन. वो फिर एक इच्छा जागृत हो गई कि हाँ रेकी से इतना आराम आया और चीजों में क्यों नहीं आराम आया. Then I added acupressure. इसी तरीके से हर चीज add on होती गई और हर चीज के अपने results मिलते गए
और फिर अब तो एक मोटिव सिर्फ एक यही रह गया है कि अवेयरनेस लाना सबको कि आप लोग इन चीजों को सीखिए, डेली रूटीन में आप लोग अपनाइए और सुनी सुनाई बात में नहीं जाइए। मैं जो कह रही हूँ उस पर बिल्कुल नहीं जाइए, आप प्रैक्टिकल कीजिए। और एक्यूप्रेशर की खूबी यही है, अगर मैंने आपका डायग्नोज गलत भी कर लिया, करस्पोंडेंस की बात कर रही हूँ, ब्योर मैग्नेट्स अगर मैंने गलत समझ के बता दिया आपको तो आपको नुकसान हो सकता है। मैंने अगर आपका कोई पॉइंट गलत दबा दिया, गलत फीड लगा दिया, उससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, हाँ बस आराम नहीं आएगा। और मैंने आपका एक्यूरेट पॉइंट पकड़ लिया तो आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, आप इमीडिएटली कहोगे कि हाँ मुझे आराम आ गया। सो आई थिंक इसमें सब लोग सीखें और कोशिश ये ना करें कि रटी रटाई कुंजी मिल जाए कि हमारे को ये दवाई बता दो, जैसे होता है ना कि प्रिस्क्रिप्शन में कि मैडम दवाई लिख दीजिए आप, कि मैंने कलर लिख दिया और वो हो गया आपका ओके, कि एक कलर मैंने लगा दिया वो हो गया जी आपका ओके, आप ठीक हो जाओगे। तो ये विधि ऐसी नहीं है, पूरा समझा जाता है तभी आपको प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे चीजें जो बोलते हैं कि भाई हाँ, जैसे होते हैं ना दादी माँ के नुस्खे कि भाई उल्टी आ रही है तो ये खा लो, वो कलर थेरेपी और एक कॉमन कलर सीड वो हम लोग बता देते हैं। कोई अगर हमें फोन पे पूछता है कि अभी बहुत ज्यादा उल्टी हो गई, बहुत ज्यादा ये चीज हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बताते हैं तो आराम आ जाता है। और सीखने के बाद यदि आप समझ के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे। हमारे पास क्वेश्चन की झड़ी लग गई है, 26 क्वेश्चन लाइंड अप हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट थायराइड के लिए आप इसमें, हाँ थायराइड के लिए बताती हूँ, इसमें आप ये करो कि कॉमन में या तो कॉमन ले लो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर हम आंसर करेंगे तो हम बिल्कुल वाकई में बैठे रहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कि सबने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसके हिसाब से आपको जो कॉमन लगेगा वो बता दीजिए। थायराइड के लिए क्वेश्चन आया है, देन 13 ईयर का बच्चा है उसके लिए सीमा चौधरी जी का क्वेश्चन है, कैविटी इन टीथ मोलर टीथ में, कैविटी इन मोलर टीथ, ठीक है। देन उसके बाद यूरिन कंट्रोल के बारे में भी एक क्वेश्चन आया मीनाक्षी जी का, प्रतिभा जी ने वापस क्वेश्चन पूछा है आर्थराइटिस का, एंड देन हेयर फॉल का वापस से क्वेश्चन आया है, देन पाइल्स के लिए क्वेश्चन आया है ख्याति जी का, देन रमा रानी जी का अगेन हेयर फॉल के लिए है, रुचिका का क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज किया था प्रेशर देने के लिए ग्रूव्स में, तो वो वापस से इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए, इंस्ट्रूमेंट चेक करने के लिए, तो आई थिंक एक बार इंस्ट्रूमेंट भी शो कर सकते हैं हम लोग वापस से। एंड एक बार ही हम इंस्ट्रूमेंट सारे शो करते हैं, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद इंस्ट्रूमेंट्स जो थोड़ा सा सबको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बहुत हेल्पफुल हैं जो एज अ लेमैन हम यूज कर सकते हैं। ये है हमारे हाथ की रिंग, फटाफट फटाफट मैं बताती हूँ, इसको आप अपने हाथ पे ले लेंगे, पहन लेंगे खाली बैठे बैठे, यहाँ से आप अपने हाथ के आगे की कलाई को प्रेशर कर रहे हैं और यहाँ से आपका पीछे का हिस्सा होता है। यहाँ पे अगर हम बेसिक एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सारे गायनिक ऑर्गन्स आते हैं, आप लोग उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि बेसिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अलग हैं, सुजोग में मैं जो आपको बताऊंगी वो डिफरेंट होंगी। सो डोंट कंफ्यूज एनीथिंग, बेसिक में चल रहे हैं क्योंकि मैं मोटा एम्फेसिस आपको बेसिक पे दे रही हूँ, एडवांस वाला सीख के ही बताया जाता है। तो आप अगर इसको रेगुलर मसाज कर रहे हैं बैठे हुए, और कोई आपके घर में अस्थमा का पेशेंट है, किसी के लंग्स वीक हैं बहुत ज्यादा, तो आप ये रिंग दे सकते हैं या ये चीज भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कई बार जो और लोग होते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको ना बहुत एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रही हूँ, मैं सोच सोच के कि मैं आपको ऐसे नॉलेज दूँ जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, कि बड़े लोग बोलते हैं हमें ये बहुत चुभता है, तो उसके लिए हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि अपने हाथ में बोलो, उनको धीरे धीरे आराम से चलाते रहेंगे रोलर की तरह, आगे इस तरीके से करते रहेंगे और पीछे इस तरीके से करते रहेंगे, तो इनका यहाँ से ये सारा फ्रंट एरिया और बैक एरिया आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाथ का, इवन आप इसको पैर में भी पहन सकते हैं जो मैंने यूज किया है, अगर आप इसको पैर में, सपोज ये आपका पैर है, उसके अंदर ऐसे डाल के इसको ऊपर नीचे करेंगे ना, ये पैर है सपोज, तो यहाँ ऊपर का एरिया आपका प्रेशर होगा और नीचे की तरफ आपका
सोल एरिया होगा। तो आप सोचिए कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत आराम से अगर इसके धीरे धीरे मसाज करते हैं तो उनका डेफिनेटली डे बाय डे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। एज अ रूटीन वो दो मिनट एक्यूप्रेशर में सिर्फ एक ध्यान रखना आप लोग सब कि बिल्कुल खाने के एकदम बाद ना करें, खाने के दो घंटे बाद आराम से प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। तो ये हमारा बड़ी रिंग काम करती है जो हमारे इसके अंदर बड़े लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। फिर ये आती है एक्यूप्रेशर की रिंग। एक्यूप्रेशर की रिंग जिस जिनको भी स्ट्रेस रहता है तो वो ये ब्रेन एरिया पे यदि रेगुलर करते हैं तो उनका ब्रेन एरिया एक्टिवेट होगा और उनको स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने मेरे से पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो अगर आप 10 के 10 फिंगर पे ये रेगुलर अगर कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर में जो हमारा ये इतना एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट अपना यहाँ वाला एरिया। ओके, और अभी सिर्फ आपको बताती ये यहाँ तक का एरिया हमारा मिडिल, इसके अंदर हमारा लंग्स और हार्ट एरिया आ जाता है और यहाँ पे हमारा सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और सारे हमारे गायनिक ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो मींस अगर आप एक फिंगर को रेगुलर कर रहे हो तो यू आर प्रेसिंग ऑल योर पॉइंट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ लंग्स लिवर, इसके अंदर एक्स वाई जेड आपका फैटी लिवर है आपको तो भी आराम आने वाला है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलरली इसको सी आज करेंगे कल नहीं आराम आएगा, बट अगर 10 दिन आपने रेगुलर इस चीज को फॉलो कर लिया तो आपको डेफिनेटली इसमें आराम आने लगेगा। तो ये हमारा होता है रिंग। एंड ये होती है हमारी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है। मैम सॉरी इंटरप्ट, मैम वो जो रिंग आपने अभी यूज किया फिंगर्स के लिए भी वही है और रिस्ट के लिए भी वही है? रिस्ट के लिए नो, रिस्ट के लिए डिफरेंट। हाँ, रिस्ट के लिए ये है और ये फिंगर्स के लिए आपका ये है। एंड मैम कंटिन्यूअसली कितने टाइम के लिए, अगर हमें इफ वी वांट टू मेक अ हैबिट ऑन डेली बेसिस तो 1 to 3 minutes? 1 to 3 minutes, ओके थैंक यू सो मच। एंड इतना करें हाथ छीले नहीं जी, आपका गर्माई निकला है हाथ में से। ओके थैंक यू, तो आपके प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिन भी जिन भी लोगों को एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, गुस्सा बहुत आता है, कोई ऐसी नेगेटिव थॉट रहती है उनके दिमाग में, तो ये आपको जो बॉल है रेड कलर की, ये एक्यूप्रेशर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, किसी भी एक्यूप्रेशर शॉप पे मिल जाएगा, इवन आपको अमेज़न पे ऑनलाइन भी मिलेगा। तो बिल्कुल परेशानी होगी इसके अंदर, आप रेड बॉल को खाना खाने से 20 मिनट पहले रेगुलर सुबह दोपहर शाम आप करेंगे। एक से तीन मिनट रेगुलर इस चीज को कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका एडिक्शन कब ठीक हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। फाइन, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ब्लू बॉल, जिनको भी डायबिटीज है, इवन जिन लोगों ने मेरे से फैटी लिवर का क्वेश्चन पूछा उनको भी खाने से 20 मिनट पहले यदि वो अपना इस बॉल से रेगुलर 20 मिनट्स करते हैं, आप 1 महीना से लेके 3 महीने तक इस चीज को कीजिए, देन आप रिजल्ट देखिए। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि आप पूरा प्रोटोकॉल ले, बट अगर आप प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहते हैं, आप बेसिक चीजें समझना चाहते हैं तो आप इस बॉल को 1 से 3 मिनट करेंगे। जिन लोगों को लूज मोशन की शिकायत रहती है या जिनके बाल झड़ने की शिकायत है, मैं कॉमन डिजीज को ही इनके जरिए से कर रही हूँ, आप अगर कोरिलेट कर सके तो यही कलर्स आपके कोरोस्पोंडेंस पे अप्लाई होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा सारा, एक मिनट, यहाँ पे सारा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, तो बेसिकली हमारे को अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। तो जिसको भी लूज मोशन है या बार बार मोशन जाना पड़ता है, बहुत लोगों को होता है कि एक बार में पेट क्लियर नहीं होता, बार बार मोशन जाना पड़ता है, तो उसमें केस में भी आप इस येलो बॉल को 1 से 3 मिनट करेंगे। और इसी में एक पिंक कलर की बॉल आती है, पिंक कलर की बॉल आपको जिन भी लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद नहीं आती है, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, वो पिंक कलर की बॉल अपना सुबह दोपहर शाम 3 बारी करेंगे
तो बहुत फर्क लगेगा। आप लोग कोई परेशान नहीं होइए, ये जो मैंने जितना भी बताया है होलिस्टिक हीलिंग कोर्स पे कलर्ड बॉल्स का पूरा आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको समझिए एक एक, उसके अंदर मैंने बीमारी डिस्कस की है सिंपल, अगर आप इसको एंड जो ये है बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, इसका कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, आप आराम कर सकते। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम नींद नहीं आती है भी, और आज भागदौड़ की जिंदगी है उसमें भी, तो आपने प्लस 31 लिखना है डार्क ब्लू कलर से यहाँ पे प्लस ब्रैकेट 31। मैम फिर से दिखाना आपने कहाँ लिखा प्लस 31, थोड़ा क्लियर नहीं दिखा। मैं अंगूठे पे लिखना है बट मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ। ये इसमें हम नंबर थेरेपी होती है, जो एनर्जी, क्योंकि हर एनर्जी का एक नंबर होता है उसको लेते हैं प्लस 31। अब आप लोगों को उल्टा लग रहा होगा, ठीक है? नहीं नहीं वो ठीक था, वो ठीक क्लियर है वैसे, ठीक था, ठीक है ओके। प्लस 31 थम के बैक पे लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को बताया कि आपको लिखना है, क्योंकि ये सब टोनिफिकेशन और सीडेशन पे डिपेंड करता है। प्लस 23 मैंने आपको 23 बताया बीपी के लिए, तो वो यहाँ पे लगेगा प्लस, यहाँ पे लिखना है प्लस करके फिर ऐसे 23। तो ये आप कुछ दिन करके देखिए आपका ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर कीजिए, और इस कलर को आप दिन में लगाइए, रात को नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि रात को लगाने से अगर आपका बीपी डाउन भी हो सकता है। कलर इसीलिए इतना इफेक्टिव है, आई थिंक इसके अंदर कुछ ग्रुप में आप लोग किसी के एक्सपीरियंस शायद होंगी कि कलर से उन लोगों ने कैसे इंस्टेंट फायदे उठाए हैं, अगर ग्रुप में अभी वो लोग मौजूद होंगे तो हम उनको भी, मैं चाहूंगी कि सुने आप लोग, मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ, जो लोग सीखे हुए हैं लेट देम शेयर देयर एक्सपीरियंस, अगर वो लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे जो हुए हैं साथ में, तो माला आई थिंक हम लोग उनको सुनते हैं नया नया। हाँ जी मैम, तो मैम को लगाना पड़ेगा ना प्लस, प्लस 31 हमने ब्लू कलर से लिखना और ब्लैक से, फॉर नींद नहीं आने के लिए, नींद आने के लिए दोनों यूज कर सकते, ब्लू ब्लैक दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू एंड ब्लैक की ऑलमोस्ट तासीर एक सी होती है। ओके थैंक यू, वैसे तो ब्लू कलर है, वैसे ब्लू कलर है, बट यू कैन यूज ब्लैक। ओके 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 थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसके लिए होगा ना प्लस 31 जिसको नींद नहीं आती। हाँ जी नींद नहीं आती, रात में लिखकर सोएंगे? नहीं नहीं आप दिन में लगाइए तभी रात को इफेक्ट होगा। ओके ओके रात को, रात को यहाँ पे सिर्फ आप मेथी बांध के सोइए, मेथी किस तरह से लगा लीजिए, एंड इसको इवन यहाँ के ब्रेन एरिया को भी कवर करके सोइए, ठीक है? मेथी के लिए बिल्कुल उसके लिए है। ओके रात को ये कर लियो और दिन में प्लस 31 लिख ले मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके। आई थिंक मेरे से किसी ने माइग्रेन के लिए पूछा था, सब सब ऐसे ही लिखा जाएगा जो मैंने आपको बताया है। और माइग्रेन के लिए जिन्होंने मेरे से पूछा था तो मैं उनको थोड़ा सा कलर गाइड कर रही हूँ, अगर उनको वॉमिटिंग है तो हाँ यहाँ पे उनको येलो कलर लगाना है, ऐसे जैसे मैंने ये सर्कल बताया है यहाँ पे आपको येलो कलर लगाना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगाना है इसे में, और यहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर लगाना है। यहाँ पे ग्रीन ओके ओके। अब आप
आपको एक अभी आप लोग पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज बताती हूँ, क्योंकि इसमें आप लीजिए साबुत मूंग लीजिए, ठीक है, 3 साबुत मूंग आप सीड लीजिए। मेरे पास इस टाइम मेथी है तो मैं मेथी को ही बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले पाएंगे, बट मेरे को लग रहा है कि अगर मैं आपको गाइड कर सकती तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आर्थराइटिस के लिए है और काफी परेशान है, बच्चे के टूथ डिके के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, पार्किंसन सिंड्रोम के लिए। नहीं देखिए, नहीं नहीं क्या है माला, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग पूरी रात भी लगे रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन आंसर जवाब देते रहेंगे, और क्योंकि हमारा ये काम है हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक कहीं ना कहीं हम लोगों को वो सोचना ही पड़ेगा, बट सब लोगों को मैं कंसल्ट और जो भी कंसल्टेशन है डेफिनेटली दूंगी, आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए 3 आप साबुत मूंग लगाइए, 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट आपके ना लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन को एक्टिवेट करेगा, चाहे आप साबुत मूंग लगाइए चाहे आप मेथी दाना लगाइए। तो जिसको भी लीवर से रिलेटेड और जिससे भी जिसको आपके स्टमक से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आराम आएगा। मैडम ये चिपकाना है, कैसे लगाना है? नहीं चिपकाना नहीं, मीन्स इस तरह की डॉक्टर स्टेप आती है। अच्छा हाँ आपको उसमें ये उसमें सीड लगा के लगाना है। देखिए सुनने में बहुत अजीब लगता है कि क्या इससे आराम हमें, नो नो मैम दैट आई अंडरस्टूड कैसे लगाना है। हाँ तो अगर आप माला, मैं ये चाहूंगी कि अगर इस टाइम, क्योंकि सब लोग फिर चले जाएंगे जो इस टाइम जुड़े हुए हैं और जिन्होंने कुछ प्रैक्टिकल सीखने के बाद किया है, तो एक दो लोगों को आप उनसे बात कराओ, देन आई विल टेक द क्वेश्चन आंसर आल्सो, ठीक है? अगर टाइम होगा तो मैं आई विल टेक द जी आई रिक्वेस्ट आप लोगों ने जिन्होंने भी एक्यूप्रेशर से कुछ अपना बेनिफिट लिया है आप सिंधु जी की गाइडेंस है, तो प्लीज आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए अनम्यूट करके। हाय मैं रिचा, मैं सिंधु जी के साथ 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ और मैंने उनसे एक्यूप्रेशर बेसिक और अब मैं एडवांस भी सीख रही हूँ, और मुझे मेरे ब्लड प्रेशर में बहुत आराम मिला है, मेरी मेडिसिन बिल्कुल बंद हो चुकी है, मेरा आयरन लेवल बहुत बिल्कुल प्रॉपर हो गया, एंड आई कैन शेयर माई रिपोर्ट ऑल्सो, इवन शुगर में भी मैंने काफी कंट्रोल आ गया है, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और शुरू में ही अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ प्रेशर पे क्योर करना शुरू करें तो रियली रियली वर्क्स ऑन इट। थैंक यू सिंधु जी फॉर हेल्पिंग मी आउट। आप थोड़ा सा बताओगे कि आपने खाली करस्पोंडेंस पे ही काम किया है या किस पे काम? अभी मैंने सिर्फ करस्पोंडेंस पे ही काम किया, एडवांस में अभी सीख रही हूँ, और कुछ जो आपने प्रोटोकॉल पॉइंट्स डायबिटीज के लिए दिए थे वो मैं वो सारे पॉइंट्स लगा रही हूँ। हाँ जी, पर ब्लड प्रेशर के लिए करस्पोंडेंस पे ही ब्लू कलर से और मैं हार्ट के पॉइंट पे मुझे गुड, वेरी गुड, कीप इट अप रिचा, मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब आपने मेरे को शेयर की थी, एंड लाइक आई रियली बहुत, क्योंकि देखिए मैं फिर बार बार हर एक को यही चीज समझाना चाहती हूँ कि जो भी डेडिकेशन से ट्रीटमेंट करता है, अभी रिचा ने सिर्फ मेरे से बेसिक एक्यूप्रेशर सीखा था, प्लस उसने जो भी मेरे से गाइडेंस मांगी मैंने उनका पूरा केस हिस्ट्री जान के उनको बताया, एंड शी गॉट द रिजल्ट्स, और वो 6 मंथ, देखिए एक दिन की ये चीज नहीं है, ये 6 मंथ्स में उनको रिलीफ मिला है, तो उनके पेशेंट्स उन्होंने किया। या वेरी गुड, थैंक यू जी। मैं पिछले 20 साल से आपके साथ रही हूं। शिशा जी, नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? यस मैडम। हां मैं पिछले 20 साल से सिंधु से। कौन है, नाम बताएंगे? इंदु। इंदु जी, अरे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल याद है, क्लियर जान नहीं पाई मैं। हाँ मैं पिछले 20 साल से, ये मेरे से मैं एक एक चीज बिल्कुल लीनिगेंट से करती हूँ, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर,
रेकी सब इन्हीं से सीखी हुई हूँ, सब बिल्कुल परफेक्ट एक्सीलेंट। आप अपनी एज बताएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगी तो ताकि सबको पता चले कि आप 70 प्लस। देखिए इंदुजी की मैं बहुत तारीफ करूंगी, ये मेरे से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स थी जिसको उन्होंने एक्यूप्रेशर रेकी के जरिए जीत लिया। सारे कोर्स अभी भी इतनी उनको लगन है कि नई चीज मैं कुछ भी अगर सीखती हूँ तो मेरे से सीखना चाहती हैं और उसको सीख के अपने घर में सबको अप्लाई करती हैं, अपने ऊपर अप्लाई करती हैं और रिजल्ट्स तो वो तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि आप शेयर जरूर करो ताकि मैं इस चीज को मान सकूं कि भी ये चीज से आपको फायदा हो रहा है और मैं तभी आपको आगे आके कहूं इस प्लेटफॉर्म पे कि हाँ आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे और रिजल्ट आप लोग अपने मुंह से बोलेंगे। देखिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं अपने को प्रमोशन के लिए कि हाँ ये है ये है ये है, बट कौन मेरा तो 3-4 ऑपरेशन ही तुम्हारे बलबूते पे हुए हैं जो तब तो देखिए जो परेशानी बढ़ चुकी थी बट उसमें रिकवरी आपकी इतनी अच्छी हो गई इन सारी चीजों से और आप अपने आप को इतना फिट रखे हुए हैं तो उसकी तो बात ही कोई नहीं है। थैंक यू इंदुजी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, वेलकम। मेरा नाम रुचिका है और मैं सिंधु मैडम से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनसे बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलता है। अभी 6 महीने मतलब 5-6 महीने पहले ही कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सीवियर इन्फेक्शन था और अंदर थ्रोट तक था जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा था, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ भी, और मैडम ने उसका जो प्रोटोकॉल दिया उसके साथ वो काफी जल्दी रिकवर हुआ। उसके बाद जब मैंने एक बार प्रोटोकॉल स्टार्ट किया तो उसी के बाद वो अच्छे से रिकवर हो पाया और मेडिसिन भी इफेक्ट करना शुरू कर गई और तब जाके वो 1 महीने में ठीक हो पाया। उसके बिना वो मतलब मेडिसिन के साथ भी नहीं ठीक हो पा रहा था, इतना सीवियर था। थैंक यू रुचिका, थैंक यू बिलीविंग इन मी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। एनीबॉडी एल्स प्लीज, जो शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। आई थिंक जो हमारे पास थोड़े से कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं तो हम उनका आंसर कर लेते हैं। हां श्योर श्योर श्योर, हां क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है। वेंकट राम जी ने बहुत देर से हैंड रेस किया था तो आई जस्ट हां हां बताइए अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन एक बार पूछ लें। हां जी वेंकट राम जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो आप सब तक तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको सीखिए, खुद सीखिए और लोगों को भी इस मिशन में शामिल कीजिए हमारे साथ। मेरा पहले बार है, मालविका जी ने इंट्रोड्यूस किया और वो ईयर प्रॉब्लम के लिए बारे में पूछना था, थोड़ा बाइक के लिए थोड़ा ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, पेन बोलता है और कुछ ईएनटी का स्पेशलिस्ट के पास दिखाया था और वो ड्रॉप्स कुछ दिया है बट वैक्स होता है अंदर, वैक्स को निकालना बार बार वो जाना पड़ेगा वो बोलता है। वो एज कितनी है? 57 या 57। देखिए एज के साथ साथ क्या होता है, अगर उनकी किडनी वीक है तो ज्यादातर हमने देखा है कि कान की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है तो कान का करस्पोंडेंस हमारा यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो दो डॉट्स लगा सकते हैं डे टाइम में ब्लैक कलर का। ओके यहाँ पे और उसको फिर यहाँ पे दो आप सीड लगा के उसको टेप कर ले और इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो छोटा वाला लोबिया होता है ना, लाइक एक तो ये राजमा है, एक लोबिया और होता है, तो लोबिया यहाँ पे कान पे आप लगाएंगे और ये यहाँ पे हमारा किडनी कोरेस्पोंडेंस आता है, किडनी कोरेस्पोंडेंस पे आप राजमा लगाएंगे। ओके
आप रेगुलर उसको कीजिए, और जैसे उनको इन्फेक्शन जो वैक्स रहता है उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है कान में, तो इन्फेक्शन में ये ब्लैक कलर बहुत फायदा करता है। यहाँ पे आप ये आपका लोबिया इस तरीके का होता है, छोटा होता है राजमा से। ओके। तो जो आपने लगाना है राजमा, इसका जो ये है ना पेट, दोनों को इस तरह फेस होगा। अभी आपको कैसे मतलब जैसे आगे दोनों के जो स्टमक ये जो वो लगा होता है ना आगे का ये जो बना होता है ये फेस सही होना चाहिए। तो कान पे आप ये लगाइए छोटा वाला, और ये जो राजमा होता है ये आप अपने दोनों हाथों पे यहाँ लगाइए ऐसे। हम अगर चलते हैं इससे अगर हम चलेंगे ना तो ये एक यहाँ पे आके आपका हाथ टूटेगा। तो यहाँ पे हमारा किडनी का एरिया होता है, अगर हम ऐसे हाथ पे चल करते हैं ना तो ये एक स्मूथ चलने के बाद एक उठा हुआ सा पोर्शन आता है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे प्रेशर करें और फिर उसको थोड़ा प्रेशर देके, और एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाने का तरीका यही है कि आप पहले थोड़ा प्रेशर दीजिए और फिर ये राजमा लगाइए उसके ऊपर। और राजमा का भी यही सिस्टम रहेगा कि दोनों के जो ये है व्हाइट वाला पोर्शन है अपोजिट फेस करने चाहिए, क्योंकि किडनी दो होती है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होगी तो आपको दोनों साइड पे ऐसे ही दूसरा भी मिलेगा पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स लगाने। इवन अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा जो आप लोग मेरे से मोटा मोटा पूछ रहे हैं तो माला इनका नोट करके हम इनको एग्जैक्ट पोस्ट कहाँ पे क्या लगाना है हम इन लोगों को बाद में बता सकते हैं, सो दैट दे कैन पुट पॉइंट्स अकॉर्डिंगली ऑन अ राइट प्लेस। हाँ वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं इसके अंदर, और आपकी जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं अगर हम किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपको बकायदा पिक्चर ड्रॉ करके और कहाँ पे क्या लगाना है आई विल एक्सप्लेन यू। तो जो विदाउट आपका सारा प्रोटोकॉल लिए बिना जो एक मोटी चीज होती है, और कानों के तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप कानों के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ये लगाइए या दो ब्लैक पॉइंट दिन में लगाइए, और रात के टाइम में लोबिया दोनों तरफ और यहाँ पे किडनी के पॉइंट्स पे आप राजमा लगाइए तो अच्छे रिजल्ट। ओके थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन लेके हम लोग अपना इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा मेजर क्वेश्चन है। एक मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन पूछा है अल्सर कोलाइटिस के लिए। कोलाइटिस के लिए कोलाइटिस उनको कहाँ का है उसका? ये अल्सर्स हो जाते हैं या कुछ छाले टाइप के हो जाते हैं? एक्चुअली क्या है मैम, मैं पहले तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूं और मालविका जी को भी कि आप दोनों के माध्यम से जो है काफ़ी, और मैं खुद पर्सनली भी इसको बहुत फॉलो करता हूं प्रेशर को, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू विद योर परमिशन मैं अपना वीडियो ऑन करता हूं। ये देखिए ये रिंग जो आपने बताई है, ये रिंग मैं एवरी डे अपनी ऑल द 20 फिंगर्स पे और फुट पे करता हूँ ऑलमोस्ट 20 डेज इन अ मंथ, एंड बॉल भी जो आपने बताया है ये बॉल भी मैं यूज करता हूँ, और फिर ये क्लिप्स भी यूज करता हूँ, ये क्लिप्स फिंगर्स वगैरह पे यूज करता हूँ। बट व्हाट हैपेंस कि एवरी 6 to 8 मंथ्स आई गेट दिस प्रॉब्लम। बेसिकली पिछले 2-3 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी गैस लॉक हो जाती है और मोशंस नहीं होते हैं मोस्टली, और जो मेरा एब्डोमेन एरिया है वो काफी मतलब उसमें नीचे से गैस पास नहीं होती, ऊपर बब निकलते रहते हैं और काफी पेन मिलता है हो जाता है मुझे, तो बाद में फिर उसको डॉक्टर से एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं। इस बार हमारा काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह निकली थी, उन्होंने कोलोनोस्कोपी किया था डॉक्टर ने वेदांता में, तो अभी तो मुझे आराम है, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी उससे ठीक हुआ है ट्रीट हुआ है, लेकिन ये इतना रेगुलर करने के बाद भी बट मुझे लगता है इन्फेक्शन ही होगा, बाकी कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, कोई खाने की वजह पीने की वजह से इन्फेक्शन ही हो जाता होगा मुझे ऐसा लगता है। आप स्पाइसी फूड खाते हैं? नहीं मैम, हम वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम तो इवन अनियन और गार्लिक भी नहीं लेते हैं। नहीं तो आप मिर्ची ज्यादा तो नहीं खाते? नहीं मैम, खाते
नहीं नहीं सिंपली होम फूड खाते हैं, बट मैंने देखा जब भी मैं बाहर कभी कभार चला जाता हूँ 5-6 महीने में भी, तो दैट गैदर्स इम्पैक्ट। और आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है? स्ट्रेस लेवल तो स्ट्रेस लेवल तो नहीं है उस तरह का जैसा हम लोग सोचते हैं, बिकॉज़ आई एम हैप्पीली आई जस्ट नो मैं डिफेंस में था पिछले 33 सालों से एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय टर्म विद नेवी एंड वैसा कोई स्ट्रेस है नहीं, फैमिली में एवरीबॉडी इज गुड एंड चिल्ड्रन आर डूइंग वेल। देखिए आप लोग यही मिस्टेक करते हैं और मैं यही सबको बोलना चाहूंगी, स्ट्रेस इज व्हाट? अगर आज मेरी काम वाली भी नहीं आई ना, मैं सुबह से बुड़बुड़ करनी शुरू हो गई, इसने तो बहुत छुट्टियां करती है, बहुत छुट्टियां मारने लगी है। ठीक है, आपके यदि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो आप बच्चों को डांट रहे हैं, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, तो व्हेन यू आर सेइंग दीस थिंग्स, तो जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं दे सीक्रेट जो एंजाइम्स बनता है हमारे बॉडी के अंदर, वो आपको डिजीज देता है। और मेरे हिसाब से जितनी भी हमारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो हमारे एक्सेस एंगर और स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होती है। तो मैं हमेशा गाइड करूंगी कि ये आप लोग कहेंगे हाँ, अगर हम किसी से भी पूछते हैं नहीं आई एम हैप्पीली मैरिड, इट डजंट मीन कि स्ट्रेस यही होगा कि हमारे को वो प्रॉब्लम है। देखिए आज इसके टाइम में लॉकडाउन में हमारे पास एंजाइटी के केसेस बहुत आए, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, क्या करें, मिल नहीं सकते। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहती हूँ लॉकडाउन ने मेरे को इतना बेनिफिट किया है कि मैं बता नहीं सकती। जो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं थे, ऑनलाइन काम करना, क्लासेस लेना शुरू हो गई, तो मेरे को तो बेनिफिट हुआ। अगर मैं वही सोच के बैठ जाती, नहीं कुछ भी करती, तो आप बताइए मैं खुद मरीज बन जाती शायद। जी जी, क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये मैं सबको ही एक राय दूंगी कि किसी भी चीज को आप ये नहीं हो रहा वही बार बार नहीं सोचिए, सॉल्यूशन की तरफ वर्क कीजिए। तो जो मेरा अपना इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, जितनी भी हमारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर मेनली रिलेटेड विद अवर स्ट्रेस। तो हमको स्ट्रेस को दूर करना चाहिए और उसके लिए आपका प्राणायाम इज वेरी हेल्पफुल एंड मेडिटेशन आर वेरी हेल्पफुल। और उसके साथ साथ मैं आपको ट्रीटमेंट में जरूर बताऊंगी, वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, जो ये इतना हमारा ट्रैक होता है हाथ पे, आप सेंटर एरिया हमारा बिल्कुल सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को करता है। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर के कोई मैग्नेट्स वगैरह हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर या तो ये मेथी, ठीक है, या फिर ये जो मैंने आपको मटरा बताए थे इस तरीके से, ऐसे तीन लेयर बनाने, मटरा की तीन लाइन बना लें, और अगर ये मेथी के स्ट्रिप बना लें तो चौड़ी दो बनाएंगे पट्टी, और इस एरिया पे आप रोज रात को लगाएंगे और सुबह निकाल देंगे, डेली रात को लगाइए सुबह निकाल देते। ये सभी के लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कॉमन ट्रीटमेंट बता रही हूँ। या तो आपके पास यदि इस तरह के किसी के पास क्लस्टर मैग्नेट हैं तो वो इनको यूज कर सकता है। तीन क्लस्टर मैग्नेट लगेंगे, एक मेरा नीचे घुट चुका है तो मैं दो को बताती हूँ आपको कैसे आपको यूज करना है। ऐसे हम रो में तीन मैग्नेट्स लगा लेते हैं, थ्री मैग्नेट्स, ये मैं मैग्नेट लगा रही हूँ, नो इशू। अगर आप मैग्नेट नहीं लगा रहे तो जो मैंने आपको मटरा का ट्रीटमेंट बताया तीन लाइन लगा के वो लगा सकते हैं, और ये आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी, ऑनलाइन मिल रहे हैं। ये आप लेके इस एरिए पे, यहां से आपका लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर तीन लगेंगे, ये मैं दो लगा रही हूँ, इस तरीके से आप पेस्ट कर लो हैंड्स पे। आप लोग सब जिनके भी क्वेश्चंस हैं और जिन्होंने भी पूछा है, तो मैं चाहूंगी वो सब पॉइंट लगाने के बाद मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाले, सो दैट आई कैन करेक्ट योर थिंग कि आप लोगों ने सही लगाया है या नहीं लगाया है, एंड देन बताएं मेरे को कि आपको कितना आराम आया, कितना नहीं आया, तो मैं उसी हिसाब से आपको गाइड कर सकती। ये तो बहुत जनरल गाइडलाइन हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें कर लीजिए, और ये जो आप अगर ये रेगुलर रिंग और ये कर रहे हैं उससे आपको नहीं फर्क पड़ा? नहीं नहीं, ये तो मैं करता ही रहता हूँ, तो उससे मतलब आई जनरली मेंटेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसके अलावा मेडिटेशन भी करते हैं हम लोग सुबह उठ के, और प्राणायाम एक्सरसाइज भी करते हैं क्वाइट रेगुलरली।
से अराउंड 24 डेज 25 डेज इन 30 डेज आउट ऑफ 30 डेज. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वंस इन अ वाइल मुझे लग रहा है कि जैसे बाहर खा लेते हैं कभी या उतना कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी वजह से ही ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. इसका मतलब आपका ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के लिए ना ये बहुत अच्छा एक जनरल ट्रीटमेंट बता दूं मैं आपको. ये जो हमारी ये रिंग फिंगर है ना, ये वाली फिंगर जी, इसके ऊपर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 पॉइंट्स लगाते हैं सर्कल में, 5 आगे 5 पीछे और 2 पॉइंट्स हम ऊपर लगाते हैं. ये जनरली इन्फेक्शन को लिए भी दूर करते हैं और इन्फेक्शन में आप ये वाला जो ट्रीटमेंट बताया है ये भी यूज कर सकते हैं. तो ये बहुत जनरल ट्रीटमेंट है इन्फेक्शन के लिए आपका, इसका ऐसा कोई नहीं है. लेकिन देखिए एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब आप अपनी हिस्ट्री बना के लेते हो ना तब आपको ज्यादा जल्दी फर्क पड़ेगा. ये तो एक बहुत जनरल है और अगर ये तो मैं हर एक को बोलूंगी, अगर आप रिंग और ये रेगुलर 10 मिनट सुबह शाम कर रहे हो, बोट चल रहे हो, तो आपको मोटी परेशानी नहीं आएगी. और देखिए बीमारी हमें इंडिकेशन देती है, ठीक है, जैसे आपको अल्सर की शिकायत हुई, जो कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई, आपको जरूर गैस बनती होगी, कॉन्स्टिपेशन रहता होगा, ठीक है, वो आपने इग्नोर मार दिया. कॉन्स्टिपेशन पहले बहुत होता था, अब पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा है बिकॉज डाइट, माई वाइफ हैज चेंज्ड माई डाइट ऑल टुगेदर. तो हम लोग बहुत सिंपल और लाइट डाइट लेते हैं, सैलड्स है, फ्रूट, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. जो पहले जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है दैट वाज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यू नो, वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू गो आउटसाइड ईट समथिंग लाइक दैट. दैट वे, क्योंकि आपको जो प्रीवियस आपके कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी उन्होंने आपके बॉडी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को वीक कर दिया. तो बाय डूइंग ऑल दिस थिंग यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ, बट व्हेनेवर यू गो आउट एंड हैव हैवी मील, ज्यादातर आप देखिएगा अगर बाहर का आप हैवी मील लेते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम होती होगी. नहीं मैम, हैवी मील नहीं, इट वाज अनकुक्ड जो होता है जैसे सलाद ले लिए या कोई रॉ, मतलब बाहर की चीजें क्या होती है बहुत हाइजीनिक नहीं होती हैं. जी, बहुत हाइजीनिक नहीं होती है. इवन आज की तारीख में हम लोग रॉ फूड को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आजकल केमिकल्स इतना आते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं एक बार आप गर्म पानी में उसको अच्छे से धो के फिर रॉ फूड लीजिए, तो वो आपको इन्फेक्शन कम देगा, अदरवाइज हमारे को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. हाँ हाँ, यू फॉलो दिस थिंग्स एंड कीप डूइंग, सी एवरीथिंग पेज. अगर आज हम इस स्टेज पे इतना करके इतना खड़े हैं, तो मैं यहाँ भी जाता हूँ अपने साथ रिंग्स बहुत सारे ले आता हूँ, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जहाँ मौका मिलता है वहाँ थोड़ा प्रोग्राम भी लोगों को आई शेयर व्हाटएवर लिटिल आई हैव लर्न, क्योंकि दीज आर गुड थिंग्स, बट मुझे और सीखना है. तो ये एक आपसे आज मुलाकात हुई है, मैं आपसे आई विल ट्राई एंड गेट इन टच विद यू. डेफिनेटली डेफिनेटली, मेरा जो ग्रुप बनता है हमेशा कन्वीनियंट के हिसाब से बनता है कि अगर सब व्हाट्सएप पे फाइन है तो आई टेक व्हाट्सएप ग्रुप, और जूम पे फाइन है क्लासेस में तो आई टेक जूम क्लासेस अकॉर्डिंग टू. सी मेरा हमेशा बैच जो बनता है सबकी कन्वीनियंस, और क्लास में आगे बढ़ाती नहीं अपनी जब तक आपको एक चीज समझ नहीं आ जाएगी, देन आई प्रोसीड फॉर द सेकंड क्लास. जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माइक, आपने ऐसा मौका दिया, हमने इनको भी सुना, सिंधु जी को भी सुना. I'm very fortunate. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Ma'am. Thank you just for you daughters that are healthy. Thank you so much. Ma'am, just one thing. Hello? Yeah, haan, bolo. Ma'am, jo aapne spine ka bataya hai, aapne bola hai, aapka Facebook pe kis page pe hai? स्पाइन की ट्रीटमेंट के लिए आपने बताया. स्पाइन की बैक के प्रॉब्लम के लिए मेरा होलिस्टिक हीलिंग कोच पे यूट्यूब की वीडियोस है. होलिस्टिक हीलिंग कोच, होलिस्टिक हीलिंग कोच, ओके मैम, ओके, ऑल बैक प्रॉब्लम्स के लिए. हाँ, उस बैक प्रॉब्लम्स के लिए इवन जो मैंने आपको कलर्ड बॉल का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया, कलर्ड बॉल का भी है, हाई बीपी का, लो बीपी का है, और अकॉर्डिंग टू डिजीज मैं और वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के कंफर्ट्स के लिए. तो आई थिंक मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी. थैंक यू मैम, आप लोगों ने सबने इतने अच्छे से सुना, और आई थिंक मेरे को मैं अपनी बात कन्वे कर पाई होंगी और आपको समझा पाई होंगी जो आप लोग मुझसे समझना चाह रहे थे. सो थैंक यू एवरीवन.
And in fact, I am sharing this number. मैम आप क्लास कोर्स कब से शुरू कर रहे हैं? जैसे भी बैच स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा नया बैच बनने वाला है बेसिक एक्यूप्रेशर का भी और एडवांस का भी, क्योंकि एडवांस के मेरी अभी दो या तीन क्लासेस बची हैं, वो खत्म हो जाएंगी तो मैं एडवांस का सेकंड थर्ड बैच लूंगी और इसका मेरा बेसिक का तो फोर्थ बैच जाएगा. तो आप अपना नाम रजिस्टर करा देना तो हम उसी हिसाब से वी विल प्लान. नेक्स्ट वर्कशॉप एक्चुअली क्या है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो ग्रुप में ऑलरेडी व्हाट्सएप में ग्रुप में एडेड हैं, तो वहां पर आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड डॉक्टर सिंधु गुप्ता का नेम एंड नंबर. तो होलिस्टिक हीलिंग कोच के नाम से उनका यूट्यूब वीडियो चैनल भी है और होलिस्टिक हीलिंग के नाम से उनका फेसबुक पेज भी है. एवरीबडी कैन ज्वाइन दैट, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड नंबर उनका ऑलरेडी फॉरवर्ड कर ही दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन और ग्रुप के अंदर भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं. राइट, सो ये अभी हम लोग इस प्रोग्राम को ऑलरेडी यहाँ पर एंड करेंगे. अगर किसी के क्वेश्चन अनअटेंडेड रह गए तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन ग्रुप के अंदर डालिए या फिर आप नंबर कॉन्टैक्ट करके पर्सनलाइज सर्विस के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. मनका अकेडमी हर मंथ वर्कशॉप्स करती है, इस तरीके के फ्री वर्कशॉप्स हम लोग अपने वॉलंटियर्स जो हमारे ऑलरेडी मास हीलिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उनकी हम लोगों ने अभी एक सीरीज शुरू करी है. मैं सबसे पहले जो मैं शायद माला मिस कर गई, जो मेरे को शुरू में ही बोलना चाहिए था, आई थैंक यू वेरी मच कि आपने मनका के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को इतने लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया और इतने अच्छे से आपने सारी चीजें संभाली हैं. तो आई थैंक यू वेरी मच कि आपको हम पे इतना विश्वास है और इतना हम लोगों को एक और आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म ही दे रही हो. मैं तो यही कहूंगी मनका हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया हमारी, जो भी हम लोगों ने इतने टाइम के बाद अपने अंदर जो हमारी भी क्वालिटीज हैं या जो भी हमने एक्सपीरियंस कह लीजिए आप, जितना भी हम लोगों ने सीखा हुआ है वो हम आपको बता पा रहे हैं. तो थैंक यू सो मच माला, जो मेरे को शुरू में ही बोलना चाहिए था वो, बट यू नो सब एक के बाद एक चीजें चलती गई तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ तो बहुत चीजें छोड़ी गए होंगे हम भी. इसी तरह मनका को खूब आगे बढ़ाते रहो और हम जितने भी हमारी नेचुरल थेरेपीज है, हम हर थेरेपीज का नाम रोशन करें, हम जिस भी फील्ड से जहाँ से भी सीख जाए. देखिए हम अपने सब मास्टर्स को वो कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम लोग नाम कर रहे हैं तो हमारे मास्टर्स हमारे ऊपर बहुत प्राउड फील करते होंगे यदि वो कहीं से हमें भी वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, और उनके ब्लेसिंग से ही हम लोग इतना आगे बढ़े हैं. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. एंड इन फैक्ट आई वुड लाइक टू से कि जो मनका निकला है तो मनका इज लाइक माला के बीच से निकला है. माय ऑफिशियल नेम इज माला जैन, काफी लोग जानते भी होंगे इस चीज को. तो माला के ही ये मनकाज है और यहाँ पर ये मनका सब जगह फैल गए हैं. तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मनका बढ़ती होती जा रही है, बढ़ती जा रही है एंड कहाँ कहाँ से चीजें अपने आप ही ऐड हो रही है. This is so wonderful. I would like to say कि next workshop हमारी switch words के ऊपर होगी, जो कि मीनू मुनोचा जी इसके अंदर बहुत expert है, क्योंकि हम लोगों ने date रखा है every month 15th को हम लोग ये workshops करते हैं. 7 to 8 हमारा time fix है, but this time क्योंकि 14th को दिवाली है and festivities चल रही है तो we have extended a little. तो next workshop हमारा 20th November को होगा. Timing same रहेगा 7 to 8 PM. स्विच वर्ड्स के ऊपर रहेगा, तो जिन लोगों को भी अगर स्विच वर्ड्स चैंटिंग में या स्विच वर्ड्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन. पेज पर ये हमारा वीडियो ऑनलाइन रहेगा, जूम पे रहेगा, देन उसके बाद वी विल आल्सो बी हैविंग दिस ऑन फेसबुक पर भी हम इसको कंडक्ट करेंगे. तो आज के लिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को और अपने प्रोग्राम को यहीं पे ओवर करते हैं. थैंक यू सो मच सिंधु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. माय प्लेजर. एंड आई थैंक यू ऑल माय जितने भी इसमें ग्रुप में हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद. इतना आराम से इतनी देर तक सब लोग बैठे हुए सुन रहे हैं एंड लाइक अभी भी हम लोग शायद क्वेश्चंस अधूरे छोड़ गए हैं, बट कोई बात नहीं. वी आर अवेलेबल 24 आवर्स व्हाट्सएप पे. जी जी बिल्कुल, ग्रुप बनाया हुआ है तो जहाँ पे जिसकी कोई भी डाउट्स रहेंगे तो वो पूछिए. और आपका नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है तो आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया, पर इनकेस अगर किसी के पास नहीं है, मेरे से अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो आप वो मेरे से ले लीजिए. बाकी ये वीडियो हमारा लाइव, अगर किसी के कोई पॉइंट्स छूट गए तो ये वीडियो मेरे पेज पर, मनका के पेज पर, फेसबुक पर भी ये लाइव वीडियो पूरा रिकॉर्डेड है. तो अगर आप लोगों का कहीं भी मिस हो गया या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो. एंड आई डोंट नो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग इट और नॉट, मे बी बस यू कैन जस्ट वॉच इट. तो वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए है. सो दिस इज
दिस इज अबाउट द वर्कशॉप टुडे एंड थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट आप लोगों को जो भी कमेंट्स अगर आप देना चाहें कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप ग्रुप में या पर्सनल विंडो पे आप लोग ये कमेंट्स वगैरह आप बिल्कुल डाल सकते हैं सो दैट इट विल गिव अस लिटिल मोटिवेशन कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है और हम लोग उसी रास्ते पे चलते रहें दैट वुड बी अप्रिशिएबल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट थैंक यू माला थैंक यू वेरी मच वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू डॉक थैंक यू थैंक यू दर्शन तो करा दीजिए हमने तो देखा नहीं उनको ऑन कर लीजिए आप अपने आप को सब देखना चाहते हैं नील मधु जी थैंक यू सो मच I think totally. Thank you. Achha, thank you so much. Madhu ji, aap apna video on kar lijiye. Pratibha ji, aapko dekhna chahti hai. Thank you.